हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रेस क्लब। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टैट प्रो के बारे में, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैट प्रो हमारा होता क्या है। हम कोई भी अगर मॉडल बना रहे हैं स्टैट प्रो में या फिर उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो आज हम वो सब चीज़ें समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैट प्रो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैट प्रो का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और जैसा कि इसमें आप नाम में ही देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यानी कि इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि जो स्टैट प्रो है वो आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्टैट प्रो है वो हमारा बनाया किसने। तो ये हमारा बेंटले के थ्रू बनाया गया है। कोई भी अगर इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं या फिर कोई भी अपडेट आते हैं स्टैट प्रो के अंदर, तो वो हमारा कौन करके देगा, बेंटले करके देता है। ठीक है, तो बेंटले हमारी एक कंपनी है जिसने स्टैट प्रो बनाया है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर होता है एंड जो सब स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम स्टैट के थ्रू डिजाइन एंड एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि कॉलम एंड बीम, अगर आप कॉलम डिजाइन कर रहे हैं एंड बीम डिजाइन कर रहे हैं, उस केस में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके अंदर आपको नंबर ऑफ बार्स बताए गए होते हैं, साइज ऑफ बार बताई गई होती है एंड स्टेप्स बताई गई होती है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स हमारी लगेंगी। लेकिन जब आप वही स्लैब डिजाइन करते हैं इसके अंदर, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील बताया जाएगा। ठीक है, ना तो आपको साइज बताई जाएगी कि कितने डाई का स्टील यूज में लें, और ना ही आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बार्स हम यूज में ले रहे हैं, चाहे वो मेन बार्स हो या फिर सेकेंडरी बार्स हो। तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि स्टैट प्रो के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बना सकते हैं, अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड, वाटर टैंक आपको बनाने हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो या फिर इंडिज टैंक हो, आप कोई भी वाटर टैंक यहाँ पे बना सकते हैं। थर्ड, डेट इज ट्रस या फिर वेयर हाउस, ये भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन टावर हो गए या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं, उनका भी आप यहाँ पर एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ब्रिज डिजाइन होगी, शेयर वॉल डिजाइन होगी, रिटेनिंग वॉल होगी। इसके अलावा इसमें आप एक चीज और डिजाइन कर सकते हैं, डेट इज सोलर पैनल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप इसमें एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि इसमें हम क्या क्या डिजाइन एंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो हमें स्टैट प्रो बना के देगा या नहीं देगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर की, तो सुपर स्ट्रक्चर केस में हमें ड्राइंग मैनुअली बनानी पड़ती है। ठीक है, आपको जो स्टैट प्रो है वो आपको ड्राइंग खुद बना के नहीं देता है। वहीं अगर सब स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो आपका फाउंडेशन का पार्ट होता है, तो उसमें आपको खुद मैनुअली ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए स्टैट के अंदर, एंड जो स्टैट है वो आपको खुद डिजाइन करके पूरा दे देगा कि किस तरह से आपकी ड्राइंग्स बनेंगी। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया ड्राइंग्स के बारे में। इसके बाद अगर स्टैट इंट्रोडक्शन में मैं एक पॉइंट की और बात करूं, तो इसमें आपको जो लोड्स होते हैं, कि जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा वॉल है, वॉल का मेरा कितना लोड लग रहा है, तो वो आपको पहले मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टैट है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा वॉल का लोड, नहीं, आपको मैनुअली वहां पे लोड निकालना पड़ेगा कि वॉल का, फ्लोर का या फिर जो भी लोड है वो आपका कितना आ रहा है, देन वहां पर आप वो वैल्यू इंसर्ट कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें इंट्रोडक्शन में पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं कि जब हम स्टैट ओपन करते हैं तो वहां पे हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती है। कोई भी मॉडल आपको क्रिएट करने से पहले, सबसे आप यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे कॉन्फिगर ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद जो आपका डिफॉल्ट ओपन होगा वो आपका बेस यूनिट ओपन होता है। बेस यूनिट का मतलब होता है कि आप किस यूनिट में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेक्ट बेस यूनिट है, यहाँ पे मैट्रिक डिफॉल्ट हो रखी सिलेक्ट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है यूनिट्स के, एक इंग्लिश एंड मैट्रिक। इंग्लिश का मतलब होता है कि आप जो यूनिट यूज में लेंगे वो आप फीट ले सकते हैं एंड इंच ले सकते हैं, एंड मैट्रिक का मतलब होता है कि आप मीटर ले सकते हैं एंड किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आप चाहें उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिक ही रखेंगे। देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आपको जाना है, डेट इज ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछता है कि जो आपकी ग्लोबल एक्सिस होगी, जिसमें आपकी एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन होती है, तो आपको जो अपवर्ड डायरेक्शन रखनी है वो आपको वाई एक्सिस रखनी है या फिर जेड एक्सिस रखनी है। तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस ही कंसिडर करेंगे, क्लिक ऑन वाई एक्सिस। देन इसके बाद आपको जाना है स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड्स के अंदर, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके कोड्स आ जाएंगे कि आप किस कोड को प्रेफर करके यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं स्टील डिजाइन कोड्स की। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है डेट इज IS 800। ठीक है, क्योंकि IS 800 के हिसाब से हम स्टील डिजाइन करते हैं, जो हमारे स्टील कोड होता है। देन उसके बाद आता है कंकी डिजाइन कोड, वो हमने यहाँ पे IS 456 ले रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप डक्टाइल डिटेलिंग करना चाहते हैं, अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं, तो उस केस में आप कौन सा कोड लेंगे, IS 13920 2016। ठीक है, IS 13920 यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप जिस भी कोड का रेफरेंस लेकर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एल्यूमिनियम डिजाइन कर रहे हैं, टिम्बर हो गया, देन शियर वॉल डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा कोड यूज में लेंगे, तो वो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसके अलावा आप ये जो वैल्यूज हैं आप अंदर जाके भी पुट कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे कि किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, एंड मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, डेट इज सेक्शन प्रोफाइल टेबल। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी डिफॉल्ट प्रोफाइल टेबल है इसमें आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको चेंज करने होते हैं, बाकी नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने क्या लेना है, व्हाइट लेना है, ब्लैक लेना है, आप व्हाइट ही रहने दे सकते हैं, अगर आपको ब्लैक करना है तो आप ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। बट मेनली यही कुछ पॉइंट्स थे। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। इसके बाद यहाँ पर हमारे एक रो दे रखी है, डेट इज स्टैट न्यूज। तो ये हमारा पोर्शन बना हुआ है कि अगर स्टैट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी न्यूज आती है तो वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, अगर आपका नेट ऑन है तभी ये शो होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंस के बारे में दे रखा है, यहाँ पे हेल्प टॉपिक्स दे रखे हैं, यहाँ पर हमारी रिसेंट फाइल्स दे रखी हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पे रिसेंटली वर्क किया है। देन यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है, डेट इज न्यू प्रोजेक्ट, देन सेकंड इज ओपन प्रोजेक्ट। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना चुके हैं एंड उसको अगर आपने ओपन करना है, देन क्लिक ऑन ओपन प्रोजेक्ट, वहां से आप खोल सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम इसे समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, कौन से पॉइंट का क्या मतलब है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, डेट इज स्पेस स्ट्रक्चर। तो स्पेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है अपना, ठीक है, या फिर मॉडल क्रिएट करना है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्पेस स्ट्रक्चर आप यूज में लेंगे। जो मेनली हम यूज में लेते हैं वो हम स्पेस स्ट्रक्चर ही यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर आपको वर्क करना है तो आप स्पेस स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज प्लेन स्ट्रक्चर। तो प्लेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें आप 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जो 2D स्ट्रक्चर आप इसमें बनाएंगे वो आप एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जेड एक्सिस से लोड आप नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि आप वर्टिकल लोड अप्लाई इसमें कर सकते हैं, डेट इज डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया। जो हमारे हॉरिजॉन्टल लोड्स होते हैं जैसे कि सिस्मिक लोड, अर्थक्वेक लोड होते हैं, उन्हें आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्लेन स्ट्रक्चर। इसके बाद थर्ड हमारा आता है, डेट इज फ्लो स्ट्रक्चर। तो फ्लो स्ट्रक्चर के अंदर भी आप 2D स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, बट इसमें आपका जो प्लेन होता है वो आप एक्स जेड प्लेन यहाँ पे यूज में लेते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, डेट इज ट्रस। ट्रस स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें हम एक्सियल लोड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी बेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, ओनली पिन सपोर्ट इसमें हम यूज में लेते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि चार पॉइंट्स का क्या मतलब है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज फाइल नेम। आप जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन लोकेशन, ये आपको दिखाएगा कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, यूनिट्स। तो आप जिस यूनिट में वर्क कर रहे हैं, जो लेंथ की यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम मीटर यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे मीटर ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। देन उसके बाद फोर्स यूनिट, कि आप जो लोड्स लगाएंगे उनकी यूनिट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हम किलो न्यूटन यूज में ले रहे हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है, ये कह रही है कि ये जो फाइल नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैं इसे ओवरराइट करना चाहता हूँ, तो क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन इसके बाद एक और विंडो ओपन हो गई है, तो यहाँ पर ये पूछता है कि सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, ऐड बीम करना चाहते हैं या फिर ऐड प्लेट से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऐड सॉलिड से। तो हम मोस्टली जो रखते हैं वो ऐड बीम ही रखते हैं, इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अंदर जाके इसे चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट यहाँ पे ऐड बीम रखिए, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो इस तरह से आपका एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस पोर्शन को हम किस नाम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि आप जो टॉप में देख रहे हैं, डेट इज फाइल एडिट ऑप्शन व्यू ऑप्शन, तो इस रो को हम बोलते हैं डेट इज मेन्यू बार, ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार होता है। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो टूल्स दे रखे हैं, ये जो तीन रो के अंदर हमारे टूल्स दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं टूल बार। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में टूल्स दिख रहे हैं या फिर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पेज कंट्रोल बार। एंड राइट साइड में जो हमारी विंडोज ओपन होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा एरिया बार। और जहां पर आप वर्क करते हैं, ये जो सेंटर का जो स्पेस है डेट इज व्हाइट इन कलर, इसको आप बोलोगे वर्क स्पेस। हाउ टू क्रिएट अ मॉडल यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम मॉडल बनाना सीखेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम किस तरीके से मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्लिक करेंगे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, यहाँ पर फाइल नेम हम सिलेक्ट कर लेंगे, डेट इज क्रिएट अ मॉडल। देन यूनिट हम मीटर में चल रहे हैं, एंड जो फोर्स की यूनिट है वो हम यहाँ पे किलो न्यूटन ले रहे हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया स्टेट प्रो का, एंड यहाँ पर ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये हमारा स्नैप नोट बीम मेथड का है। तो आज हम जो मॉडल क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं क्योंकि स्नैप नोट बीम मेथड आज हम यूज में नहीं ले रहे हैं,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए प्रीवियस पॉइंट पहले से हमें पता होना चाहिए। एंड आज हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से एक बीम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बीम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर हमें एक बीम गिवन है, एक कंटिन्यूस बीम गिवन है, जैसे कि आप प्रॉब्लम नंबर वन में भी देख रहे हैं। जो हमारी टोटल लेंथ ऑफ बीम दे रखी है डेट इज 18.5 मीटर हमें टोटल गिवन है। ए की हमें स्पैन की लेंथ दे रखी है 3 मीटर, बी की 5 मीटर, ये सी डेट इज 5.5, एंड डी हमें दे रखा है 5 मीटर। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि हमारी जो बीम है ये हमें सपोर्ट्स के थ्रू डिवाइड कर दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट स्पैन में हमारी डिवाइड कर दी गई है। यहां पर भी एक हमारा सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, इस पॉइंट पर भी सपोर्ट है, एंड इस पॉइंट पर भी सपोर्ट है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि स्टैट प्रो के अंदर हम जो सपोर्ट्स होते हैं उसको हम नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब नोड क्या होता है उसे हम अभी स्टैट प्रो के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो बीम होती है ये हमारी एक्स डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में बनी होती है, वाई डायरेक्शन हमारा कॉलम बनता है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो बीम है ये हमारी एक्स डायरेक्शन में बनी हुई है। अब यहाँ पर हम इसके अगर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो हमारा ये जो सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, इसको हम मान रहे हैं ए पॉइंट। तो हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 0, 0, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारा 0 है, वाई डायरेक्शन में भी 0 है, एंड जेड डायरेक्शन में भी 0 है, क्योंकि ये पॉइंट क्या हमारा ऑरिजिन है, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आता हूँ जो हमें दे रखा है 3 मीटर के स्पैन पे, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे होंगे 3, 0, 0, क्योंकि हमारी जो बीम है ये हमारी किस में बन रही है, एक्स डायरेक्शन में बन रही है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में कोई भी बीम नहीं है। तो वाई एंड जेड के लिए हर सपोर्ट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा हमारा 3, 0, 0। देन अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 5 + 3 = 8, 8, 0, 0। देन इसके लिए 13.5, 0, 0, एंड देन लास्ट एंड के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डेट इज 18.5, 0, 0। तो यहां पर हमने देख लिया कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा वर्क किस तरीके से करता है। अब इसे हम स्टैट प्रो में असाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे स्टैट प्रो। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि हमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन दे रखी है, एंड यहाँ पे जो हम यूनिट ले रहे हैं वो हमने मीटर ली हुई है। तो बीम का जो फर्स्ट पॉइंट था जो हम ऑरिजिन ले रहे थे वो हम कितना ले रहे हैं, 0, 0, 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। जब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आप वर्क स्पेस में देखेंगे कि एक ब्लैक डॉट आपको शो हो रहा है। इस ब्लैक डॉट को ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट दे रखा है वो हमें दे रखा है ये वाला पॉइंट, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डेट इज 3, 0, 0। तो यहाँ पर वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो एक्स डायरेक्शन में हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 3, देन एंटर। और जब आप एंटर कर देते हैं तो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली आपका 0 पुट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक और नोड क्रिएट हो गया हमारा एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द प्रीवियस कोऑर्डिनेट। देन नेक्स्ट के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डेट इज 8, 0, 0। तो एक्स की वैल्यू हमारी जाएगी 8, देन एंटर। देन इसके बाद हमारा दे रखा है 13.5, 0, 0। देन इसके बाद हमारा जो लास्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हमारा दे रखा है 18.5, 0, 0। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नोड्स क्रिएट हो गए हैं। अब इन नोड्स को हम बीम के हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे एड बीम का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्क स्पेस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब आप यहाँ पे ज्योमेट्री में जाएंगे, देन एड बीम पे क्लिक करेंगे, देन एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब इस नोड को हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे। सेम इस तरीके से हम इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक बीम फॉर्म हो गई है इन एक्स डायरेक्शन, एंड नीचे आप यहाँ पे ग्लोबल एक्सिस देख पा रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन कौन सी हमारी, ये वाली वाई ऊपर वाली जेड इस तरफ वाली, तो हमारी इस तरफ वाली है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है हमारी एक्स डायरेक्शन बनी हुई है वैल्यूज। तो इस तरीके से हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम नोड टू नोड डिस्टेंस रिप्रेजेंट करें कि हमें कितना दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूल बार के अंदर यहाँ पर एक टूल गिवन है डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देन जहां से जहां तक की भी आपको नोड टू नोड डिस्टेंस निकालनी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे इस नोड से और इस नोड के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा आ गया 3 मीटर। देन इसके बाद मुझे जाननी है कि मेरी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये मेरी देखिए 8 मीटर। देन वापस इस नोड से लेके इस नोड तक की डिस्टेंस मुझे गिवन है डेट इज 13.5, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मुझे डिस्टेंस गिवन है डेट इज 18.5। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोड टू नोड डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर आप जो वैल्यू सपोर्ट करते हैं
वो आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से करते हैं कि आपके कितने डिस्टेंस पे कितनी वैल्यूज दे रखी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ऐड अ बीम, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम बीम किस तरीके से ऐड करते हैं, चाहे हमें नोड टू नोड बीम कनेक्शन देना हो या फिर प्राइमरी बीम प्रोवाइड करनी हो, सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी हो, इसके अलावा हमें इंटरसेक्शन पे बीम प्रोवाइड करनी हो, तो वो हम सब किस तरीके से देते हैं, तो आज हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। हमारे मॉडल में बीम ऐड करने से पहले सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो हमारी क्या रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे, देन इधर हम जाएंगे कॉन्फिगर में, यहाँ पर हम बेस यूनिट में सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक। आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश का मतलब होता है कि आप जो बेस यूनिट लेंगे, यानी कि जब आप अपने मॉडल में काम करेंगे तो वहां पर आप जो यूनिट लेने वाले हैं वो आप फीट या फिर इंच लेंगे, एंड मैट्रिक का मतलब होता है कि आप जो यूनिट्स यूज में लेंगे वो आप मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मीटर में चलेंगे, तो हम मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड्स के ऊपर, यहाँ पर हम स्टील डिजाइन कोड्स यूज में लेंगे IS 800, एंड जो कंक्रीट डिजाइन कोड्स हम यूज में ले रहे हैं डेट इज IS 456। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्पेस स्ट्रक्चर एंड फाइल नेम एड बीम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पर हमारे वर्क स्पेस में जो हमें प्लेन गिवन है, ये हमारा एक्स एंड वाई प्लेन गिवन है, हम इसे चेंज करेंगे एक्स एंड जेड प्लेन के अंदर, क्योंकि हमारी जो बीम होती है वो हमारी एक्स एंड जेड प्लेन के अंदर डलती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एडिट ऑप्शन पे, देन यहाँ पर प्लेन के अंदर हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे एक्स जेड प्लेन, देन क्लिक ऑन ओके बटन, देन इसके बाद हम व्यू टूल के अंदर हम टॉप व्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर मैं स्नैप नोट बीम मेथड को ऑफ कर दूंगा बाय क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पर बीम ऐड करने के हमारे दो मेथड होते हैं, एक हमारा होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है हमारा शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इनिशियल फेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लॉन्ग मेथड की तरफ जाइए, एंड जब आप एक दो बार स्ट्रक्चर बना लें उसके बाद आप शॉर्ट मेथड की तरफ जाइए, जिससे कि आपको दोनों ध्यान में रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉन्ग मेथड की, तो बीम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मेन्यू बार के अंदर ज्योमेट्री ऑप्शन पे, देन यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है हमें एड बीम का। जब हम एड बीम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, थर्ड वन इज एड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, एंड फोर्थ वन इज एड कर्व्ड बीम। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लिक करता हूँ एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पे, तो इसका मतलब होता है कि हम इसके अंदर जो भी हमारे नोड्स हैं उनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये नोड है, इसमें मैं नोड नंबर डिस्प्ले करता हूँ जिससे कि आप आसानी समझ पाए। तो नोड नंबर डिस्प्ले करने के लिए आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस एन, तो इसके आपके नोड नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नोड नंबर है डेट इज 12, तो अगर मैं 12 नोड को और 5 नोड को अगर सिलेक्ट करता हूँ आपस में, तो यहाँ पर एक बीम फॉर्म हो जाएगी। जैसे 12 नोड पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने 5 नंबर नोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरी एक बीम फॉर्म हो गई। अब इस बीम को सिलेक्ट करने के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्सर दे रखा है डेट इज बीम कर्सर, तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर इस पर आप डबल क्लिक करेंगे इस बीम के ऊपर और दबा के रखेंगे, तो आपको यहाँ दिख जाएगा इसमें तीन कलर शो हो रहे हैं, डेट इज ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपने जो बीम है आपकी कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुई है, एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है आपका जो बीम का जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है। ये तो हमने देख लिया एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, तो क्लिक ऑन ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन एड बीम। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट कमांड आती है एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स का मतलब होता है किन्हीं भी दो बीम्स के बीच में एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करना। जैसे कि इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर भी डिस्प्ले करता हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस बी, तो यहाँ पर मुझे बीम नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं अब, तो जो बीम नंबर 1 है एंड जो बीम नंबर 9 है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। अगर मैं बीम नंबर 1 पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो वो मेरा मिड पॉइंट पे ही क्लिक होगा, जो मेरी बीम बनना स्टार्ट होगी वो मेरी मिड पॉइंट से ही होगी। ठीक है, एंड सेम अगर मैं बीम नंबर 9 पे अगर किसी भी पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो भी मेरा सेंटर पे ही फॉर्म होगा, तो यहाँ से मेरी एक बीम क्रिएट हो जाएगी डेट इज बीम नंबर 16। अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि जो मेरी बीम नंबर 3 है एंड जो बीम नंबर 7 है, अगर इसके बीच में मुझे एक सेकेंडरी बीम डालनी है तो वो मैं किस तरीके से डालूंगा। बीम नंबर 3 पे मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा एंड बीम नंबर 7 पे भी मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा, तो वो मेरी सेंटर टू सेंटर ही फॉर्म होगी। ठीक है, जो मेरा इस बीम का जो मिड पॉइंट था एंड जो इस बीम का जो मिड पॉइंट था, इन दोनों के बीच में मेरी एक सेकेंडरी बीम फॉर्म हो जाएगी।
तो इस तरीके से हमारी ये कमांड वर्क करती है। इसके बाद हमारा एड बीम के अंदर नेक्स्ट पोर्शन आता है, डेट इज एड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। और अगर मैं एड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा नोड नंबर 3 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है, अगर मुझे इस कॉलम के परपेंडिकुलर पे एक बीम प्रोवाइड करनी है तो वो हम इस कमांड के थ्रू करेंगे। तो जैसे कि अगर मुझे नोड नंबर 3 से ये जो बीम नंबर 13 है इस पर मुझे एक बीम डालनी है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में, तो वो हम किस तरीके से डालेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे नोड नंबर 3 के ऊपर, देन जिस भी बीम के ऊपर हमने एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के ऊपर, उस बीम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बीम नंबर 13 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर एक बीम फॉर्म होगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सेम वैसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पर मेरा नोड नंबर 11 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम है, इस कॉलम के थ्रू मुझे जो बीम नंबर 16 है इस पर मुझे एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन डालना है, यानी कि एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है जिसका एक एंड मेरा 11 नोड पे हो एंड दूसरा मेरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन बीम नंबर 16 के ऊपर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा नोड नंबर 11 पे, देन मैं क्लिक कर दूंगा बीम नंबर 16 पे, और मैं बीम नंबर 16 पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा ये मेरा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे ही आया एंड यहाँ पर मेरी एक सेकेंडरी बीम फॉर्म हो गई, डेट इज बीम नंबर 23। तो इस तरीके से हमारी ये कमांड वर्क करती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है, डेट इज क्लिक ऑन ज्योमेट्री, क्लिक ऑन एड बीम। एड बीम में नेक्स्ट कमांड आती है, डेट इज एड कर्व बीम। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एड कर्व बीम का मतलब होता है क्या है, कि अगर हमने किन्हीं भी दो नोड के बीच में हमने कर्व बीम प्रोवाइड करनी है तो वो हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस कमांड के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोड नंबर 1 दे रखा है एंड नोड नंबर 13 दे रखा है, तो नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 13 के बीच में हमने कर्व बीम क्रिएट करनी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। क्लिक ऑन नोड नंबर 1, देन क्लिक ऑन नोड नंबर 13। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ रहा है, डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या लेना है, जो हम बीम बनाएंगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना लेना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैं ले रहा हूँ 1 मीटर, एंड जो गामा एंगल है किस एंगल पे हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, डेट इज 280 डिग्री। अब इसे मैं क्लिक ओके करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक कर्व बीम फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी कर्व बीम की कमांड वर्क करती है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड कि हम किस तरीके से यहाँ पे मेन्यू बार में जाएंगे, उसके बाद हम एड बीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, टूल बार के अंदर आपको एक ऑप्शन गिवन है एड बीम का, अगर आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में बीम आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चाहिए कि अगर मुझे सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है या फिर इंटरसेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एड बीम के ऑप्शन पे आपको डबल क्लिक करके रखना होगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे कि अगर आपको कर्व बीम डालना है तो वो आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आपको सिंपली नोड टू नोड बीम डालनी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। तो ये था आपका एड बीम के बारे में कंप्लीट वीडियो। किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो या फिर वाई डायरेक्शन हो या फिर जेड डायरेक्शन हो, हम नोड्स को बीम के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्स डायरेक्शन में जितने भी नोड्स हैं हमें उन्हें एक साथ बीम के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। या फिर वाई डायरेक्शन में हमारे जितने भी नोड्स आ रहे हैं उनको हमें एक बीम के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में हमारी जितनी भी बीम आ रही है उनको हम सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं। तो क्रिएट और सिलेक्ट करने का आज हम दोनों तरीके देखेंगे, तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्ट बीम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो वर्क स्पेस है इसके अंदर एक मैंने मॉडल बनाया हुआ है इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे ग्लोबल एक्सिस के थ्रू भी देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये हमारी ये वाली डायरेक्शन है एंड जो जेड एक्सिस है ये हमारी ये वाली डायरेक्शन है, और एक टॉप प्लान हमें दे रखा है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एक्स डायरेक्शन में जितने भी नोड्स हैं उनको हम बीम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्हें तो हम सीधा सिंपली एड बीम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन जब हमारे बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी, 10 स्टोरी बिल्डिंग, उस केस में हम ऐसे एक एक करके नहीं कर सकते। अगर आप एक एक करके इस तरह से अगर बीम्स को कनेक्ट करोगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर को आपको बनाने में 1 घंटा लग रहा होगा उसे आपको 3-4 घंटे इस तरह से लगने लग जाएंगे। तो अगर हमें स्टैट प्रो में कुछ कमांड्स दी गई हैं तो उन्हें हमें यूज करना है, तो इन्हें वापस से हम अंडू कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे जो नोड्स हैं इनको अगर हमें बीम के थ्रू कनेक्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ज्योमेट्री में,
देन यहां पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है, डेट इज कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां पर अभी ये शो नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपको जिन भी नोड्स को आपको कनेक्ट करना है उनको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो यहां से हम नोड कर्सर सिलेक्ट करेंगे, देन जो भी नोड्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद वापस हम जाएंगे ज्योमेट्री में, देन कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, तो टू मेंबर्स आर क्रिएटेड। तो यहां पर हमारे दो मेंबर्स क्रिएट हो गए। तो कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर इसमें हम बात करते हैं कि हमारे जो जेड एक्सिस में जो नोड्स आ रहे हैं उनको हमें बीम के थ्रू कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जेड एक्सिस में हमारे जो नोड्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन गो टू ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, तो टू मेंबर्स आर क्रिएटेड। तो इस तरीके से हमारे मेंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम मेंबर्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, जेड एक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो, तो हम इस तरह से कर लेंगे उनको। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक्स डायरेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं उनको अगर हमें सिलेक्ट करना है, या फिर जेड डायरेक्शन में जो मेंबर्स हैं उन सभी को हमने सिलेक्ट करना है चाहे वाई डायरेक्शन हो, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले सिलेक्ट के अंदर, देन गो टू बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन हमारी जितनी भी बीम्स होंगी वो सब क्या हो जाएंगे, हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। एंड सेम इस तरह से ही अगर हमें जेड डायरेक्शन में जितनी भी बीम्स हैं उन सबको अगर हमने सिलेक्ट करना है, तो गो टू सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारी एक्स एंड जेड डायरेक्शन में जितनी भी बीम्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। ये हमारा मोस्टली यूज आता है जब हम लोड्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमें काफी सारे मेंबर्स एक साथ सिलेक्ट करने होते हैं, तो वहां पर ये जो कमांड है काफी यूजफुल होती है। तो ये हमने देखा आज कि बीम को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं एंड बीम को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन अ बीम, हमारी जो बीम है उसके अंदर अगर हमें कोई नोड इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। यहां पर एक मॉडल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारी जो बीम है उसके अंदर अगर हमने नोड इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बीम नंबर शो कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस बी। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इंसर्ट नोड बीम मेथड का हम यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक बीम दे रखी है, डेट इज बीम नंबर 12, एंड एक और बीम दे रखी है, डेट इज बीम नंबर 4। अब यहां पर हमें बीम नंबर 12 एंड बीम नंबर 4 इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है, एंड यहां पर जो सेकेंडरी बीम की जो डिस्टेंस रहेगी बीम नंबर 12 एंड बीम नंबर 4 पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डलेगी वो हमें मिड स्पैन से मिड स्पैन में नहीं डालनी है, वो कुछ डिस्टेंस पे डालनी है दोनों तरफ। नोड इंसर्ट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जैसे कि हमारी जो बीम नंबर 12 है इस पर अगर मैं डबल क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पर इस बीम में तीन कलर शो हो रहे हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन का मतलब है कि यहाँ से बीम स्टार्ट की गई है, एंड रेड का मतलब है कि ये बीम का एंड पॉइंट है, यानी कि जो नोड नंबर 12 है वो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जो नोड नंबर 1 है वो बीम का एंड पॉइंट है। तो जब भी आप इंसर्ट नोड करते हैं तो उस केस में वहां पे वो आपको डिस्टेंस पूछता है कि आपको कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करनी है। तो हम जो वहां पे डिस्टेंस डालेंगे वो हमेशा याद रखना जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको, ठीक है? इस केस में हमारी जो डिस्टेंस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम नोड नंबर 12 से मेजर करेंगे। तो अभी से हम समझ लेते हैं। तो नोड इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे हमारे मेन्यू बार के अंदर, इसमें हम क्लिक करेंगे ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन इंसर्ट नोड ऑप्शन। तो यहाँ पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसे हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बीम लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर, यानी कि जो बीम नंबर 12 है इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 2 मीटर। देन यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो बीम नंबर 12 है वो हमारी नोड 12 से नोड 1 के बीच में है, एंड यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो नोड नंबर 12 है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जो एंड पॉइंट है वो हमारा नोड नंबर 1 है। इसमें सभी केस में आप देखेंगे जो भी पहले पॉइंट लिखा होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड जो बीम का एंड पोर्शन होता है वो अपना इधर आता है। अब यहां पर अगर देखते हैं तो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा राइट साइड में था एंड जो एंड पॉइंट वो हमारा लेफ्ट साइड में था, लेकिन इधर इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है? तो आप इस हिसाब से चलना है आपने, जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू इंसर्शन पॉइंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेट इज डिस्टेंस, यानी कि आप कितने डिस्टेंस पर नोड प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहां पर मैं लेता हूं डेट इज 0.5 मीटर। अब डिस्टेंस लिखने के बाद आपने सीधा ओके नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पॉइंट के ऊपर, ऐड न्यू पॉइंट। तो यहाँ पे आपका नोड आ चुका है, ठीक है? तो नोड नंबर 13 हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर एक नोड आ गया, डेट इज नोड नंबर 13।
एंड ये जो डिस्टेंस है डेट इज 0.5 मीटर, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा नो टू नो डिस्टेंस का ऑप्शन है, तो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है डेट इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोड इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा इंसर्ट नोड टूल के अंदर हमारे और भी ऑप्शन है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि आपके टूल बार के अंदर ये जो ऑप्शन है ये आपका इंसर्ट नोड करने का ऑप्शन है, तो आप सीधा यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, एंड अब मान लीजिए मुझे जो नोड इंसर्ट करना है वो मुझे करना है बीम नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो मैं इस बीम पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां तक हम देख चुके थे कि क्या थे। ठीक है, एड न्यू पॉइंट हमारा हो गया, हमें जो भी डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ पे डालिए एंड एड न्यू पॉइंट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एड मिड पॉइंट। अगर जो नोड नंबर 9 और नोड नंबर 10 है, यानी कि जो बीम नंबर 9 है इसके बीच में अगर हमने नोड इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बीम 2 मीटर के, तो 1 मीटर पे आप नोड इंसर्ट कीजिए। सीधा आप यहाँ पे एड मिड पॉइंट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, डेट इज एड एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है अगर आपने नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 नोड प्रोवाइड करने हैं इन दोनों नोड्स के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रोवाइड करने हमने, डेट इज 3। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देंगे एड एंड पॉइंट्स। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके जो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आ रहे हैं, जो भी आप नंबर ऑफ नोड्स प्रोवाइड करेंगे, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक भी क्या हमारी 0.5, यहां से यहां तक 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्टेंस रहती है हमारी नोट्स के बीच में वो इक्वल रहती है। देन क्लिक ऑन ओके बटन, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करूँ, तो क्लिक ऑन नो टू नो डिस्प्ले ऑप्शन, इसके बीच में ये भी मैं 0.5, ये भी 0.5, एंड दिस वन इज ऑल्सो 0.5, एंड दिस इज ऑल्सो 0.5। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम बीम में नोड इंसर्ट किस तरीके से करते हैं। कि बीम को हम मर्ज किस तरीके से करते हैं, या फिर जो हमारे नोड्स होते हैं नोड्स को हम मर्ज किस तरीके से करते हैं, तो एक एक करके इन दोनों को हम देख लेते हैं। यहां पर हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, फाइल नेम हम डालेंगे डेट इज मर्ज बीम और मर्ज नोड्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन एड बीम, देन फिनिश बटन। यहां पर हमारा जो प्लेन गिवन है डेट इज एक्स वाई प्लेन, इसे मैं चेंज करता हूँ एक्स जेड प्लेन के अंदर, देन क्लिक ऑन ओके बटन। यहां पर मैं एक प्लान क्रिएट कर देता हूं। अब स्नैप नोड बीम मेथड को ऑफ कर देंगे, या आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है इसे टॉप व्यू में चेंज कर देंगे, देन क्लिक ऑन टॉप व्यू ऑप्शन। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बीम के बारे में कि किन्हीं भी दो बीम को हम आपस में मर्ज किस तरीके से करते हैं। उसके लिए हम बीम नंबर डिस्प्ले कर देते हैं, तो शिफ्ट प्लस बी। अब सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीम नंबर 5 एंड बीम नंबर 6, इन दोनों को हमने आपस में मर्ज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू बार के अंदर, ज्योमेट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। बट यहाँ पर जो मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स का जो ऑप्शन है वो हमें शो नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने जो बीम है हमारी जिनको हम मर्ज करने वाले हैं उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया है, पहले उनको सिलेक्ट करना होता है, देन गो टू ज्योमेट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों बीम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन गो टू ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारा शो हो रहा है कि हम जो मर्ज कर रहे हैं बीम्स को वो एक 5 नंबर बीम है एंड 6 नंबर बीम है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर रहे हैं। अब इसके नीचे थोड़ा हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा सिलेक्ट प्रॉपर्टीज टू रिटेन, यानी कि हमने कौन सी बीम को रखना है, बीम नंबर 5 को रखना है या फिर बीम नंबर 6 को रखना है। तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये पूरी की पूरी एक ही बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देन क्लिक ऑन मर्ज ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 5 एंड 6 नंबर की जो बीम थी वो आपस में मर्ज हो गई है, एंड बीम नंबर 5 को हम रिटेन रखा था, तो यहाँ पे बीम नंबर 5 आ गया। तो इस तरीके से हम मर्ज करते हैं सिलेक्टेड मेंबर्स को। अब हम बात करें कि इसका यूज कहाँ पे आता है, तो देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो जब हम डिजाइन करते हैं एंड अगर उस केस में ये जो नोड है हम नोड नंबर डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे डेट इज शिफ्ट प्लस एन, तो जो मेरा नोड नंबर 4 है एंड नोड नंबर 10 है, अगर इन दोनों नोड्स को हमारी एक बीम कनेक्ट कर रही है, लेकिन बाद में हम फर्दर कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बीम देने की जरूरत नहीं है, तो हम जब बीम को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो हमारे नोड यहाँ पे रह जाते हैं, ये भी डिलीट नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब हमारे जो एंड रिजल्ट्स आते हैं वो इन नोड्स पे भी शो करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है वो भी हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड बन के आ जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नोड्स वहां पे डिस्प्ले हों, तो उस केस में यहाँ पे हम
इन नोट्स को या फिर मेंबर्स को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि मेंबर्स को कैसे मर्ज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे हम नोट्स को कैसे मर्ज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम नोट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नोड नंबर 7 एंड नोड नंबर 8 इन दोनों को मर्ज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे नोड कर्सर पे, देन क्लिक ऑन नोड नंबर 8 एंड नोड नंबर 7, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्लिक ऑन ज्योमेट्री, देन गो टू मर्ज सिलेक्टेड नोड्स। अब यहाँ पर पूछा है कि नोड टू कीप, कौन सा नोड आप रखना चाहते हैं, नोड नंबर 7 और नोड नंबर 8। तो यहाँ पर मैं रखूंगा नोड नंबर 7 को, मैं यहाँ पर नोड नहीं चाहता हूँ। तो नोड टू कीप डेट इज नोड नंबर 7, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर ये पूरी एक बीम बन चुकी है, डेट इज बीम नंबर 8। तो इस तरीके से हम नोड्स को मर्ज करते हैं। आज हम बात करेंगे किसी भी मेंबर को हम स्ट्रेच किस तरीके से करते हैं। मेंबर यहाँ पर हमारा बीम भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है। तो बीम और कॉलम को हम किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे एक डिस्टेंस तक, तो आज हम वो देखने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी बीम को हमने दो बीम में कन्वर्ट करना है, या फिर मैं कहूँ अगर स्प्लिट करना है, तो हम स्प्लिट किस तरीके से करते हैं एक ही बीम को दो बीम के अंदर। तो आज हम स्ट्रेच बीम कमांड और स्प्लिट बीम कमांड दोनों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेच बीम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस मेंबर को स्ट्रेच करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू ज्योमेट्री ऑप्शन, देन क्लिक ऑन स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिलेक्टेड मेंबर्स, कौन सा मेंबर हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर बीम नंबर 2 हमको गिवन है। हमारे मॉडल में हम बीम नंबर और नोड नंबर को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस बी एंड शिफ्ट प्लस एन। तो इस तरह से हमारे नोड नंबर एंड बीम नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें बीम नंबर 2 की, तो सिलेक्टेड मेंबर्स डेट इज बीम नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, डेट इज सिलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2A पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पर हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न्स में गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सेम हेयर, ठीक है। तो अब मुझे इस मेंबर को इस पॉइंट तक स्ट्रेच करना है, जहाँ पे एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना है 1 है, एंड जो जेड है इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं एक्स इक्वल्स टू कितना डाल दूंगा 1 एंड जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन। तो यहाँ पर मेरा ये एक्स 1 एंड जेड 1 तक ही क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू ए डिस्टेंस। थ्रू ए डिस्टेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बीम है, डेट इज बीम नंबर 3। यहाँ पर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, डेट इज स्टार्ट नोड एंड एंड नोड। इसका मतलब ये है कि हम जो स्ट्रेच कर रहे हैं वो हम स्टार्ट नोड से कर रहे हैं या फिर एंड नोड से कर रहे हैं। अब इसमें स्टार्ट नोड कौन सा और एंड नोड कौन सा है, जो हमारा ग्रीन पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट नोड होता है, एंड जो हमारा ब्लू पोर्शन है ये हमारा एंड नोड होता है। तो अगर मैं एंड नोड से 1 मीटर एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा 1 मीटर एक्सटेंड हो गया एंड नोड से। सेम हम स्टार्ट नोड से भी कर सकते हैं। तो ये था, हमारे दो पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है टू एन एग्जिस्टिंग नोड। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मेरी एक बीम दे रखी है मुझे, डेट इज बीम नंबर 4, और मुझे इसे एक्सटेंड करना है टू एन एग्जिस्टिंग नोड। मेरा ऑलरेडी मुझे एक नोड गिवन है उस तक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पिक नोड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे नोड नंबर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके देन सेलेक्ट नोड एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन, तो ये मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मैं नोड नंबर भी डाल सकता था, तो वो आपके ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डेट इज टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। अब मुझे जो मेंबर है वो मुझे एक्सटेंड करना है एक एग्जिस्टिंग मेंबर तक। जैसे कि अगर मेरा बीम नंबर 3 की बात करूँ, इसे मुझे एक्सटेंड करना है बीम नंबर 2 तक। तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, उसके लिए क्लिक ऑन पिक मेंबर एंड क्लिक ऑन बीम जिस तक हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एक्सटेंड हो जाएगा इस बीम तक। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रेच मेंबर की जो कमांड है वो किस तरह से वर्क करती है। सो इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट मेंबर की। तो स्प्लिट मेंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे बीम नंबर 1 की। जैसे कि हमारी एक बीम दे रखी है, डेट इज बीम नंबर 1, और इसे हमने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे बीम नंबर 1 को, देन गो टू ज्योमेट्री, देन नीचे यहाँ पे स्प्लिट बीम का एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बीम गिवन है,
जो कि हमें नोड नंबर वन एंड नोड नंबर टू से कनेक्टेड है। नोड नंबर वन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नोड नंबर टू हमारा इसका एंड पॉइंट है। तो यहां पर अगर इस बीम को हमने स्प्लिट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको इस बीम को स्प्लिट करना है एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे डेट इज 3 मीटर एंड क्लिक ऑन एड न्यू पॉइंट। तो यहां पर आपका क्या हो गया, एक नोड पॉइंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से बीम क्या हो गई, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। इसके अलावा अगर आप इसे मिड से स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप एड मिड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर इसे आप नंबर ऑफ बीम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ नोड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं एट ए डिस्टेंस 3 पे से स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पर ये जो मेरी बीम थी ये मेरी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है, डेट इज बीम नंबर वन एंड बीम नंबर सिक्स में। तो इस तरह से हमारी स्प्लिट कमांड वर्क करती है। तो आई होप आपको स्प्लिट कमांड समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेच मेंबर कमांड है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। हमारे मेंबर्स अगर कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस जगह पे हम नोड किस तरीके से क्रिएट करें, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। गो टू स्नैप नोड बीम मेथड। तो यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब स्नैप नोड बीम मेथड को हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया है, एंड हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो बीम है हमारी एंड ये जो बीम है ये जिस पॉइंट पर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम एक नोड क्रिएट करें। जैसे कि ये जो बीम है एंड ये जो बीम है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हम एक नोड क्रिएट करें। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप उन दोनों बीम को सिलेक्ट कीजिए जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड देन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन इंटरसेक्टेड सिलेक्टेड मेंबर्स, एंड यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप इंटरसेक्ट के ऊपर। जब आप इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है एंड टॉलरेंस कितना देना है, तो यहाँ पे 0 मीटर ही रखेंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, टू न्यू बीम्स क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो बीम्स है वो आपस में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरसेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सो ये एक छोटी कमांड थी बट काफी यूजफुल थी। तो जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं उस टाइम पर इसका काफी यूज आता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट कमांड के बारे में। इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम नोट्स को मूव किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट के अलावा मूव कमांड भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम वर्क स्पेस में एक नोट क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक नोट क्रिएट हो चुका है। अब इस नोड को सिलेक्ट करने के लिए हम वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे, देन गो टू नोड कर्सर, देन सिलेक्ट द नोड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉपी एंड पेस्ट कमांड के बारे में। कॉपी एंड पेस्ट कमांड के लिए आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी कमांड का, क्लिक ऑन इट। तो ये आपका नोड कॉपी हो चुका है। अब इस नोड को पेस्ट करने के लिए वापस से आप राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन पेस्ट नोड। तो इस तरह की आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है बाय द फॉलोइंग एक्स वाई एंड जेड वैल्यूज, यानी कि आपने इस नोड को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको इसे पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे इसे पेस्ट करना है एक्स डायरेक्शन में एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड नोड था वो हमारा 2 मीटर के डिस्टेंस पे पेस्ट हो चुका है। तो इसे अब हम देख भी लेते हैं डिस्टेंस को। तो क्लिक ऑन डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। अब इसे अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमारा आ गया 2 मीटर। तो इस तरीके से हमारी कॉपी एंड पेस्ट कमांड वर्क करती है। कॉपी एंड पेस्ट कमांड को हम इतना यूज में नहीं लेते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो उस केस में आप सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कमांड की हेल्प से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब हमें कहीं स्ट्रक्चर बनाते समय अगर सिंगल नोड अप्लाई करना है वहां पर हम कॉपी पेस्ट मेथड यूज में लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कॉपी पेस्ट मेथड किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद इसमें हम देख रहे थे कि मूव कमांड किस तरीके से वर्क करती है। अब यहां पर मैं इस नोड टू नोड डिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए आप टूल बार में जाएंगे, एंड यहाँ पर एक टूल दे रखा है रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस डिस्प्ले, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये हमारी रिमूव हो जाएगी। सो मूव कमांड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे नोड कर्सर पे, देन सिलेक्ट नोड नंबर वन, जिस भी आप नोड को मूव करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं नोड नंबर वन को मूव कर रहा हूँ, देन राइट क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर आपको एक कमांड दिख रही है डेट इज मूव कमांड, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर सेम विंडो हमारी ओपन हो गई है जैसा हमारा कॉपी एंड पेस्ट कमांड के अंदर था। अब यहाँ पर भी अगर हम जो नोड नंबर वन है उसको हम कितने डिस्टेंस पे मूव करना चाह रहे हैं और किस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, तो वही सेम यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि अगर इसे मैं मूव करना चाह रहा हूँ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन।
देन यहाँ पर क्लिक ऑन यस ऑप्शन, तो हमारा ये 1 मीटर मूव हो गया है। अब हम डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, यहां से नोड नंबर 2 से जो नोड नंबर 1 की जो डिस्टेंस है अब कितनी आ रही है हमारी, डेट इज 1 मीटर, यानी कि हमारा जो नोड नंबर 1 है वो अपनी प्रीवियस पोजिशन से शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि मूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी मूव कमांड वर्क करती है। एंड मूव कमांड या फिर जो कॉपी पेस्ट कमांड होती है ये हमारी सिर्फ नोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें हमारे जो मेंबर होते हैं उनको भी हम मूव एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे ऑफ कर देते हैं एंड इसे एक बीम के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे एक बीम के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब इस बीम को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक ऑन इट, कॉपी, देन पेस्ट बीम। अब बीम हम पेस्ट कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस जेड, कितना, 1 मीटर, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहां पर हमारी जो बीम है ये क्या होगी, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इन जेड डायरेक्शन कॉपी होगी। तो इस तरीके से हम कॉपी एंड पेस्ट कमांड भी यूज करते हैं और सेम हम बीम को भी मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉपी पेस्ट एंड मूव कमांड समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैप नोट बीम मेथड के बारे में, ये भी हमारा मॉडल बनाने का वन ऑफ द मेथड है। तो आज हम स्नैप नोट बीम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, फाइल नेम दैट इज स्नैप नोट बीम मेथड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। अब जैसा कि आप यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें ग्रिड पैटर्न में ग्राफ गिवन है, तो स्नैप नोट बीम मेथड के अंडर हम इसी के अंदर वर्क करने वाले हैं। एंड राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स गिवन है और इसका टाइटल भी हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज स्नैप नोट बीम मेथड। तो यहाँ पर एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है, दैट इज क्रिएट ऑप्शन। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है कि आपने किस टाइप का ग्रिड पैटर्न आपने यूज में लेना है। तो इसमें 3 टाइप के ग्रिड पैटर्न हम स्नैप नोट बीम मेथड में यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज रेडियल एंड थर्ड वन इज इरेगुलर। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर के लिए, तो लीनियर पे मैंने क्लिक कर दिया। एंड इसके बाद लीनियर पैटर्न के अंदर यहाँ पे सबसे पहले नेम डालना है हमने, तो यहाँ पर मैं लीनियर ग्रिड पैटर्न ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लीनियर ग्रिड पैटर्न, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो राइट साइड में हमारा यहाँ पे शो हो रहा है लीनियर ग्रिड पैटर्न। तो मुझे अगर इस पैटर्न में काम करना है तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप डायरेक्टली लीनियर ग्रिड पैटर्न में काम करना चाहते हैं तो आपको ये इंडिविजुअली क्रिएट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नैप नोट बीम मेथड के अंदर यहाँ पर जो डिफॉल्ट ग्रिड पैटर्न जो सिलेक्ट होता है वो लीनियर ही होता है। तो आप सिंपली बिना क्रिएट करिए वर्क स्पेस में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर हम एक एक पैटर्न को देख रहे हैं इसलिए हमने एक एक ग्रिड अलग अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर ग्रिड पैटर्न की, यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, डेट इज एडिट। सो क्लिक ऑन एडिट बटन, तो यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है और ये जो विंडो है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप लीनियर ग्रिड पैटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता हमारा नेम जो हमने डाला था, उसका नेक्स्ट पॉइंट आता प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पर है कि आप किस प्लेन के अंदर अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें जो ग्रिड पैटर्न गिवन है ये हमें एक्स एंड वाई प्लेन में गिवन है और ये हम ग्लोबल एक्सिस से भी देख पा रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन हमारी ये है एंड वाई डायरेक्शन हमारी ये है। और ये थोड़ा जो आपको टिल्टेड दिख रहा है वो आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू है इसका। अगर इसका मैं फ्रंट व्यू दिखाता हूँ आपको, तो अगर आप ये व्यू टूल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू का ऑप्शन डेट इज प्लस जेड, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू शो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इस ग्रिड को मूव करना चाहते हैं कि अगर मैं थोड़ा साइड में लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पैन का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, देन ग्रिड को आप सिलेक्ट कीजिए एंड इसे आप मूव कर सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं। तो इसे मैं अंडू कर देता हूं, तो इसे वापस से उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारे और प्लेन भी इसमें दे रखे हैं, दैट इज एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन आ गया और वो इस तरह का डॉटेड लाइन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं और फ्रंट व्यू के अंदर जो एक्स जेड प्लेन है वो हमारा इस तरीके से एक लाइन ही दिखेगी। अगर इसे मैं टॉप व्यू से देखता हूं तो टॉप व्यू पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। सेम फॉर वाई जेड डायरेक्शन, वाई जेड के लिए मुझे साइड व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक व्यू, तो आइसोमेट्रिक व्यू में हमारा इस तरीके से दिखेगा, चाहे वाई जेड प्लेन हो या फिर एक्स जेड प्लेन हो या फिर एक्स वाई प्लेन हो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसके बाद मेरा आता है एंगल ऑफ प्लेन। एंगल ऑफ प्लेन का मतलब होता है हमारा जो प्लेन है, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ले रखा है, तो ये जो प्लेन है वाई एक्सिस के अबाउट कितने एंगल पर रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एंगल ऑफ प्लेन लिया है वो हमने वाई वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाई वाई एक्सिस है
उसके अबाउट जो एक्स वाई प्लेन है कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है। तो जैसे कि अगर यहां पे मैं एंगल लेता हूं 90, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, 90 डिग्री पे क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्लेन हमारा इस तरीके से वर्क करता है। तो इसे मैं वापस से डिफॉल्ट कर देता हूं, डेट इज 0 0। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्लेन इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज ग्रिड ओरिजिन। ग्रिड ओरिजिन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा ग्रिड है, तो इसका जो ओरिजिन है ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,0,0 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स और वाई प्लेन दे रखा है, ठीक है, जो एक्स है उसका जो ओरिजिन है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। एंड जो वाई है, जैसे कि जो वाई के जो यूनिट्स दे रखे हैं ये भी हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। अगर इसे मैं चेंज कर दूंगा वाई को, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो ये मेरा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अब 2 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वाई के केस में यहाँ पे हमने अगर 2 कर दिया तो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो गया। अगर मैं एक्स को भी यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स भी 2 और वाई भी 2, तो यहाँ से मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। यानी कि जो ओरिजिन हो गया वो मेरा कितना हो गया, 2/2 हो गया। तो ये होता है ग्रिड ओरिजिन का मतलब। इसे भी मैं वापस से डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है कंस्ट्रक्शन लाइन्स। तो कंस्ट्रक्शन लाइन्स का मतलब क्या होता है, ये आप जो यूनिट्स देख रहे हैं इन्हीं को हम कंस्ट्रक्शन लाइन्स कहते हैं। जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं इन्हीं को हम कंस्ट्रक्शन लाइन्स कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है। पहला पॉइंट देखा लेफ्ट एंड दूसरा पॉइंट देखा राइट। लेफ्ट का मतलब होता है कि आपकी जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में आपके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट मेरी है 0, तो यहाँ पर 0। एंड राइट साइड में 10 यूनिट है, तो यहाँ पे मेरी कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट हो रही है। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड में भी अगर यूनिट्स बढ़ा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे 0 है, एंड इसके लेफ्ट साइड में मेरी 3 यूनिट्स और रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सेम वाई डायरेक्शन में भी हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 मेरा ये हो गया, एंड ओरिजिन मेरा कहाँ कहाँ पे आ गया, -3 पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। सेम राइट में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो राइट में भी बढ़ जाएंगे, तो वही चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में पॉइंट आता है, डेट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं, चाहे एक्स या फिर वाई डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में लेता हूँ यानी कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितनी हमारी 1 मीटर है, ठीक है। 1 1 मीटर की यहाँ पे स्पेसिंग दे रखी है। सेम वाई डायरेक्शन में भी 1 1 मीटर की स्पेसिंग दे रखी है। अगर इसे मैं कम कहता हूँ तो ये मैं 0.5 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0.0.5 के बीच की हमारी स्पेसिंग्स आ गई, ठीक है। यहाँ से लेके 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, एंड वाई डायरेक्शन में ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 की हमारी स्पेसिंग आ रही है। तो इस तरह से हमारा लीनियर ग्रिड पैटर्न वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में हैंड्स फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वाई जेड, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो एंड्स हैं एक्स डायरेक्शन में, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमें जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हमें किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जैसे अगर एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर रखा है, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, डेट इज एंड करता हूँ, तो मेरे एंड में ये नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट ओरिजिन हमारा ये था, लेकिन ओरिजिन से ना होकर दूसरी तरफ से हो रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इसे स्टार्ट रहने देता हूँ एंड वाई डायरेक्शन में, जो ये वाई डायरेक्शन है इसको अगर मैं स्टार्ट की जगह एंड करता हूँ तो मेरे नंबर यहाँ से रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी 2 कर देता हूँ तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स शो होंगे वो 2 2 के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10, इस तरीके से तो ये चलता है। एंड देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि जो आप कोऑर्डिनेट शो कर रहे हो वो आप किस किस डायरेक्शन में कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन के लिए मैं वाई पे भी क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्स एंड वाई दोनों के दिखा रहा है। तो 1,0, क्योंकि ये हमारी एक्स डिस्टेंस है और यहाँ पर हम जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वाई 0 आ जाएगा, अगर जेड पे भी क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सिस आइडेंटिफिकेशन। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्स एक्सिस को ये हमारा एक्स से रिप्रेजेंट कर देगा, एंड वाई एक्सिस को हमारा वाई से रिप्रेजेंट कर देगा। एंड देन इसके बाद कोऑर्डिनेट्स इनकी, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा दिखा देगा कि जो मेरे सिंबल है वो मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रिड पैटर्न की बात करते हैं, डेट इज रेडियल ग्रिड पैटर्न। तो क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रेडियल, देन नेम रेडियल ग्रिड पैटर्न, देन क्लिक ऑन ओके बटन। अब यहाँ पर हम
सेलेक्ट करेंगे रेडियल ग्रिड पैटर्न, देन क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन, तो ये हमारा रेडियल ग्रिड पैटर्न ओपन हो गया। अब यहां पर भी हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो प्लेन यानी कि किस प्लेन में आप बना रहे हैं, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, एंगल ऑफ प्लेन की भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसका नेक्स्ट आता है ग्रिड ऑरिजिन, ये भी हमने समझ लिया है। देन इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन लाइन्स, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ी डिफरेंट दी गई है तो इनको हम देख लेते हैं। ये हमारा जो प्लेन है ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है, तो अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखे तो उसके लिए हम इसे फ्रंट व्यू के अंदर कर लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे पहला पॉइंट में आता है स्टार्ट एंगल का। तो स्टार्ट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो मेरी लाइन शो रही है ये मेरे किस एंगल से स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर इसे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35 डिग्री, तो ये मेरा 35 डिग्री के एंगल पे ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है 35 डिग्री का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है, इसे वापस से मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ 0। नेक्स्ट आता है हमारा स्वीप। स्वीप का मतलब होता है कि ये जो आपको रेडियल ग्रिड पैटर्न शो रहा है वो कितने एंगल पे बना हुआ है। जैसे कि ये 360 डिग्री पे बना हुआ है, अगर इसे मैं 180 डिग्री करता हूँ तो ये इसका हाफ हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी मेरा क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, इसे वापस से मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद है मेरे बेस। बेस यानी कि जैसे कि अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ इन बेस को, तो ये क्या हो रहा है, मेरे नंबर ऑफ बेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये मेरी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। सेम अगर मैं इन बेस को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी कुछ ये वाली बेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट में आता है रेडियस 1 एंड रेडियस 2। रेडियस 1 का मतलब होता है कि जो मैं रेडियस मेजर कर रहा हूँ, जो सेंटर है, सेंटर से यानी कि 0 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और रेडियस 2 यानी कि 120 मीटर, मतलब ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेडियस को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, रेडियस में कर देता हूँ यहाँ पे 30, तो जो मेरा ग्रिड लाइन स्टार्ट होंगी वो मेरी क्या कहाँ से होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रही है 120 के ऊपर। तो जो रेडियल ग्रिड पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लीनियर ग्रिड पैटर्न, रेडियल ग्रिड पैटर्न और जो स्नैप नोट बीम मेथड होता है वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन रिपीट मेथड के बारे में। स्टैट प्रो के अंदर हम जो ट्रांसलेशन रिपीट कमांड होती है हमारी, वो हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप 3D स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। फाइल नेम दैट इज ट्रांसलेशन रिपीट मेथड, एंड जिस यूनिट में हम वर्क करेंगे दैट इज मीटर एंड किलो न्यूटन। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन एड बीम, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। सो यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया है। ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रांसलेशन रिपीट, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रांसलेशन रिपीट मेथड यूज में लें, आपका एक नोड अवेलेबल होना चाहिए हमारा वर्क स्पेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि वर्क स्पेस पूरा खाली पड़ा है, नहीं, एक नोड तो होना ही चाहिए यहाँ पे। तो वो नोड हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूज में लेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं, एंड स्नैप नोट बीम मेथड को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सो सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सो 0 एंटर। तो यहाँ पर हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है। अब इस नोड को हम सिलेक्ट करेंगे बाय नोड कर्सर, देन अगेन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन ट्रांसलेशन रिपीट। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन रिपीट कमांड की हेल्प से G+1 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप हमें दे रखी है डेट इज ग्लोबल डायरेक्शन, यानी कि आप किस डायरेक्शन में अपनी बीम या फिर नोड क्रिएट करना चाहते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी डेट इज स्पेसिंग एंड स्टेप्स दे रखी है कि आप किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में कितना स्पेसिंग आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद नंबर स्टेप्स, आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स दे रहे हैं, देन डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, उसके बाद री नंबर बे, लिंक स्टेप, ओपन बेस, ठीक है। तो ये सब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम स्टैट प्रो के अंदर ट्रांसलेशन रिपीट मेथड की हेल्प से मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये हमें यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है जो हमारा G+1 स्टोरी बिल्डिंग है विद बेसमेंट। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, एंड दिस वन इज एलिवेशन, एंड ये टॉप व्यू दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे बेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बेसमेंट में देखता हूँ कि जो हमारी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अंदर इसको मैं एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, एंड दिस वन इज जेड डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करनी है कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 स्टेप है, यानी कि स्पेसिंग की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है हमारी, 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कितना करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 3,
एंड इनके बीच जो स्पेसिंग है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, डेट इज 12 फीट 6 इंच, बट हम अपने हिसाब से लेते हैं जो हमने 5 मीटर 5 मीटर की स्पेसिंग यहाँ पे ले ली है, इक्वल स्पेसिंग ले ली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, डेट इज डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। अगर आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है अगर आपने वो कॉमन रखनी है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वेरी करनी है तो यहाँ पे आप अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सबके बीच में जो स्पेसिंग है वो सेम रहे तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिंग डाल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, डेट इज लिंक स्टेप। लिंक स्टेप का क्या मतलब होता है कि आपके जो भी नोट्स क्रिएट होंगे उनके बीच में आप मेंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, सबसे पहले हम बिना लिंक स्टेप के अगर करते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके करते हैं, लेकिन ओके करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो नोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा जिधर से आप एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोड को सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने लिंक स्टेप नहीं किया था तो ये जो नोड्स हैं वो आपस में बीम के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। अगर इसे मैं वापस से अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड, एंड अगर वापस से ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट में जाता हूँ एंड यहाँ पर वही सेम नंबर स्टेप सेट इज 3 एंड स्पेसिंग इस बार मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ डेट इज 5 मीटर की, और लिंक स्टेप अगर मैं करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अब क्या होगा, हमारे जो नोट्स क्रिएट होंगे उनके बीच में क्या होगा, मेंबर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो लिंक स्टेप का मतलब ये होता है कि जो नोट्स हैं उनको मेंबर्स के थ्रू कनेक्टेड करना। अब हम वापस से हमारे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो बेसमेंट पहले हम क्रिएट करे थे तो यहाँ पे जो नोट्स हैं इनके बीच में लिंक स्टेप नहीं है, यानी कि मेंबर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे हम वही सेम चीज कर देंगे, इसको वापस से कंट्रोल सेट अंडू देन ट्रांसलेशन रिपीट। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक शॉर्टकट की है ट्रांसलेशन रिपीट की, टूल बार में आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लिक ऑन इट तो यहाँ पर ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। सो हम एक्स डायरेक्शन बना लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 3 एंड स्पेसिंग हम सेम रख रहे हैं, लिंक स्टेप हमने करना नहीं है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है डेट इज हमने इसके पीछे भी बनाने दो, यानी कि इन जेड डायरेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स हमने 2 लेने हैं, तो उसके लिए हमें इन सभी नोट्स को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इन सब के पीछे हम बनाने वाले हैं कॉलम्स। एंड गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, क्लिक ऑन जेड डायरेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 2, स्पेसिंग हम वही सेम रख रहे हैं, लिंक स्टेप नो, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा बेसमेंट फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, एक बेसमेंट का कॉलम है, देन ग्राउंड स्टोरी का है, देन फर्स्ट फ्लोर भी इसमें बना हुआ है, तो ये भी हम फॉर्म कर देते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, गो टू स्टैट प्रो, सिलेक्ट ऑल द नोट्स, देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, कॉलम हम बनाते हैं वाइड एक्शन में, एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो हमने 2 रखने हैं, देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप क्योंकि इस बार आपस में हमने कॉलम्स को मेंबर के थ्रू कनेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ग्राउंड फ्लोर पे बीम्स बनानी है, तो उसके लिए नाउ गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल द नोट्स ऑन ग्राउंड स्टोरे, देन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन अगेन गो टू ज्योमेट्री, कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन गो टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे हमारे मेंबर्स फॉर्म हो चुके हैं। अब इन मेंबर्स को हमने इस फ्लोर पर भी असाइन करने हैं, तो वो कैसे करेंगे हम, अगेन गो टू फ्रंट व्यू, गो टू बीम कर्सर, सिलेक्ट ऑल द बीम्स, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट। अब यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं ये हमने वाइड एक्शन पे असाइन करने हैं, तो क्लिक ऑन वाइड एक्शन, एंड किस हाइट पर असाइन करने हैं, डेट इज 5 मीटर, तो 5 मीटर स्पेसिंग, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 यानी कि एक जगह ही असाइन करने हैं, लिंक स्टेप हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉलम्स के तो कनेक्टेड है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, असाइन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम असाइन करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसलेशन रिपीट मेथड। सो आई होप आपको ट्रांसलेशन रिपीट मेथड समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर रिपीट मेथड के बारे में। ये हमारी वन ऑफ द कॉमनली यूज कमांड है जो हम स्टैट प्रो में यूज में लेते हैं, जहां पर हमें वाटर टैंक्स बनाने होते हैं या फिर सर्कुलर स्लैब बनानी होती है, तो उस केस में हम सर्कुलर रिपीट कमांड का यूज में लेते हैं। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है एंड इसके हेल्प से हम समझेंगे कि सर्कुलर रिपीट मेथड हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सर्कुलर रिपीट मेथड पे, इसकी शॉर्टकट की है, आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, मेन्यू बार में ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए, देन गो टू सर्कुलर रिपीट मेथड, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस विंडो को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि किस एक्सिस के अबाउट आप अपने स्ट्रक्चर को रोटेट करना चाहते हैं।
तो इसे भी हम देखेंगे जब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थ्रू, यानी कि आप किस नोड पॉइंट के थ्रू आप इस मॉडल को घुमाना चाहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद टोटल एंगल, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक नोड दे रखा है जो कि हमारा ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है, एंड यहाँ पे इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एंड इस स्ट्रक्चर को हम रोटेट करेंगे इस नोड पॉइंट के अबाउट। तो वो हम किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। उसमें हम वाटर टैंक कंसिडर करेंगे कि जो हमारी पानी की टंकी होती है वो किस तरीके से बनती है, बाय यूजिंग सर्कुलर रिपीट कमांड। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपने जिस स्ट्रक्चर को भी रोटेट कराना है पहले आप उसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हम इसमें एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे से वाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करना चाहूंगा, ठीक है। तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस, देन थ्रू, किस नोड के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो या तो आप यहाँ पे नोड नंबर डाल सकते हैं, अगर आपको नोड नंबर नहीं पता है तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करके एंड देन नोड पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ही हमारा नोड सेलेक्ट हो गया, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो मॉडल है वो रोटेट करेगा, ठीक है। और नोड नंबर डिस्प्ले करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एन, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि नोड नंबर वन है, तो वही यहाँ पे शोर है, तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल एंगल, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है इसको आप कितने एंगल पे घुमाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा 360 डिग्री से रोटेट कराऊंगा। देन उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स, कहने का मतलब है ये जो मॉडल है वो कितनी बार और बनेगा 360 डिग्री जब रोटेट करेगा। तो यहाँ पर इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, डेट इज 8। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिंक स्टेप। लिंक स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रांसलेशन रिपीट मेथड में, यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब इस मॉडल को आप रिपीट करेंगे तो उस केस में ये वाला मॉडल और जो अगला मॉडल बनेगा और उसके बाद जो मॉडल बनेंगे वो सब आपस में लिंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिंक स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि वो मॉडल्स आपस में लिंक होंगे, ठीक है। ओपन बेस क्या होता है इसको भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम इतना देख लेते हैं। देन क्लिक ऑन ओके बटन, तो यहाँ पर आपका ये मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा नोड नंबर वन था जिसके अबाउट हमने स्ट्रक्चर को रोटेट कराया था। तो और जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे हमारे, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सर्कुलर रिपीट मेथड यूज में लेते हैं। इसके बाद हम ओपन बेस भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, डेट इज अंडू, देन अगेन सेलेक्ट द मॉडल जिसे आप रिपीट करना चाहते हैं सर्कुलर रिपीट, देन क्लिक ऑन सर्कुलर रिपीट ऑप्शन, देन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इज वाई, एंड किस नोड के अबाउट कहाँ जाते हैं डेट इज वन, देन टोटल एंगल डेट इज 360 डिग्री, नंबर ऑफ स्टेप्स 7, एंड लिंक स्टेप मैं करना चाहता हूँ। अब ओपन बेस का क्या मतलब है, ओपन बेस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो आपके नीचे की जो स्टेप्स होंगी वो आपस में लिंक नहीं होंगी, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो नीचे की जो स्टेप्स हैं ये आपस में लिंक्ड नहीं है, सिर्फ ऊपर के पोर्शन में आपको मेंबर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सर्कुलर रिपीट कमांड वर्क करती है। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और इजिली समझ में आ जाए। उसके लिए हम वाटर टैंक कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देते हैं। देन गो टू स्नैप नोड बीम मेथड। अब यहां पर हम वाटर टैंक का हाफ मॉडल क्रिएट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी सिलेंड्रिकल वॉल्स होगी। देन ये कुछ पोर्शन हो गया वाटर टैंक का, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैंने सर्कुलर रिपीट कराना है वॉटर टैंक बनाने के लिए, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, सिलेक्ट ऑल द स्ट्रक्चर जिसको भी आपने सर्कुलर रिपीट कराना है, देन गो टू सर्कुलर रिपीट मेथड, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस, क्योंकि मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराना चाहता हूँ, थ्रू नोड, किस नोड के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो, तो मैं नोड नंबर 5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन टोटल एंगल मैं 360 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ स्टेप्स मैं यहाँ पर 6 कंसिडर कर रहा हूँ, देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सर्कुलर रिपीट कमांड वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर रिपीट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में। रन स्ट्रक्चर विजार्ड मॉडल क्रिएट करने का वन ऑफ द मेथड है। इससे पहले मॉडल क्रिएट करने के कुछ मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, देन ट्रांसलेशन रिपीट मेथड हो गया, स्नैप नोट बीम मेथड हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड की, कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड हमारी जो बाकी मेथड है
उनसे ज्यादा बढ़िया क्यों है? तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जो ऑलरेडी मॉडल्स बने होते हैं। तो उनको हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, देन फाइल नेम हम डालेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले स्नैप नोट बी मेथड को हम ऑफ कर देते हैं। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ज्योमेट्री में, देन नीचे हमारा एक ऑप्शन दे रखा है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें मॉडल टाइप दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें मॉडल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ट्रस मॉडल, फ्रेम मॉडल, सरफेस प्लेट मॉडल, सॉलिड मॉडल, कंपोजिट मॉडल्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रस मॉडल की, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो ट्रस है इसे मुझे अपनी वर्क स्पेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है। तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मॉडल नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है ट्रस की, देन ट्रस की हाइट कितनी रखनी है एंड इसकी विड्थ कितनी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ बेस कितने रखेंगे आप अलोंग लेंथ एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग विड्थ। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्लिक ऑन अप्लाई बटन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रस फॉर्म हो क्या जाएगा। अब आप मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई मॉडल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसी मॉडल के ऊपर ही डबल क्लिक कीजिए आप, देन आपको वापस से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप वो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन अगेन। अब इस मॉडल को हमारी वर्क स्पेस में इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए इसे एंड क्लिक ऑन यस ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ट्रस है वर्क स्पेस में आपका इंसर्ट हो गया। तो इससे होता क्या है, एक तो आपका काफी टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर हम ये मॉडल बनाते तो हमें काफी टाइम लगता। जैसे कि इसके अलावा मैं और अगर मॉडल की बात करूं जो मेरे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है रन स्ट्रक्चर विजार्ड में, तो इसे हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, देन अगेन गो टू ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो ट्रस मॉडल्स तो हमने देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रस हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो फ्रेम मॉडल्स की, यहाँ पे कुछ हमें फ्रेम दे रखे हैं, जैसे कि अगर मैं बे फ्रेम की बात करता हूँ तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन जो बे फ्रेम की मुझे लेंथ लिखनी है डेट इज 12 मीटर, हाइट 15 मीटर एंड नंबर ऑफ बेस ये हम रख लेते हैं अभी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, G+3 स्टोरी बिल्डिंग आ गई विद बेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरी बिल्डिंग बनी हुई मिल रही है, मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से वर्क करता है। देन इसके अलावा इसमें अगर हम और चीज देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सर्कुलर बीम भी गिवन है, डबल क्लिक ऑन इट। तो सर्कुलर बीम यहाँ पे इसका पूछा है कि रेडियस कितना लेना है, तो रेडियस हम 5 मीटर ही मान लेते हैं, एंड एंगल जो सर्कुलर बीम दे रहे हैं हम वो 360 डिग्री पे दे रहे हैं पूरा, तो 360 डिग्री एंगल यहाँ पे डाल दिया। नंबर ऑफ बेस अलोंग पेरीफेरी, उसकी पेरीफेरी के अलोंग यानी कि उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके अलोंग हमने कितने नंबर ऑफ बेस रखने हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डेट इज 10 एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, एक सर्कुलर बीम फॉर्म हो गई, ठीक है, ये इसका पेरीफेरी हो गया एंड पेरीफेरी के अलोंग हमने नंबर ऑफ बेस कितने लिए थे, 10, तो हमारे 10 यहाँ पे स्पैन बन गए। देन इसके बाद हम इसमें और देख लेते हैं, जैसे कि रिवर्स सिलेंडर, तो रिवर्स सिलेंडर के लिए भी वही सेम स्पेसिफिकेशन है, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा एक सिलेंडर फॉर्म होके आ गया, और ये तब आपका काफी ज्यादा यूज में आएगा, जैसे कि अगर आप वाटर टैंक बना रहे हो, इंडज़े वाटर टैंक हो गया, उसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्टेजिंग पहले से ही डिफाइन होके आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क करते हैं। देन फ्रेम मॉडल के बाद अगर हम बात करते हैं सरफेस या फिर प्लेट मॉडल की, तो इसमें जैसे कि अगर हमें बनाना है डोम बनाना है, तो डोम के क्या करेंगे, हम स्फेरिकल सर्फेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन टाइप यहाँ से स्फेरिकल कैप लेंगे, डायमीटर ऑफ स्फीयर हम 20 मान लेते हैं एंड बेस डायमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पे 18, देन डिविजन इतने ही रखते हैं हम, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा एक डोम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कितना ईजी है यहाँ पे कुछ भी मॉडल क्रिएट करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड है, पहले से ही इसमें बने हुए हैं, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इस मॉडल को इंसर्ट करने के सीधा आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे डोम क्या आ गया, वर्क स्पेस में इंसर्ट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसका रेंडर व्यू देखना चाहें तो इसका आप रेंडर व्यू भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आई होप आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड यूज करना आ गया होगा, और अपने मॉडल में जितना ज्यादा हो सके आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड की आदत डालिए, जिससे कि जो आपका स्ट्रक्चर बनाने का टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर कमांड के बारे में।
स्टेट प्रो में हम मिरर कमांड किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। गो टू स्नैप नोट बीम मेथड इन टूल बार, देन यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम मिरर कमांड किस तरीके से यूज करते हैं। मिरर कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन ज्योमेट्री, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मिरर कमांड का, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर एक विंडो बॉक्स ओपन हो गया है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो आपको ये समझाता है कि अगर आपको मिरर कमांड करनी है, उसे आपने कॉपी करना है या फिर मूव करना है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज मिरर प्लेन। तो मिरर प्लेन में यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज एक्स वाई प्लेन, सेकेंड इज एक्स जेड प्लेन एंड द थर्ड वन इज वाई जेड प्लेन। तो अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन की, एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है कि आपका जो मिरर होगा वो आपका जेड प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। अगर आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर मिरर करना है तो वो आपको जेड प्लेन के अंदर मिरर दिखेगा। एंड जेड प्लेन का मतलब होता है कि आपका जो मिरर है वो आपको या तो फ्रंट में दिखेगा या फिर बैक साइड में दिखेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज एक्स जेड प्लेन। अगर आप यहाँ पे एक्स जेड प्लेन पे क्लिक करते हैं तो इस केस में आपका जो मिरर बनेगा वो आपका वाई प्लेन में दिखेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्स जेड मिरर प्लेन यूज में लेते हैं, जो आपका मॉडल है वो वाई प्लेन के अंदर दिखेगा, और वाई प्लेन का मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है वो या तो टॉप में दिखेगा या फिर बॉटम में दिखेगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, डेट इज वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब होता है कि जो आपका मिरर है वो आपका एक्स प्लेन के अंदर बनेगा, एंड एक्स प्लेन का मतलब होता है या तो वो आपको लेफ्ट में दिखेगा या फिर राइट में दिखेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इन तीनों का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है प्लेन पोजिशन। प्लेन पोजिशन का मतलब होता है कि आपको जो अपना मॉडल मिरर कराना है वो किस साइड में कराना है, तो उस तरफ के आपको नोड को क्लिक करना होगा जिससे कि वो उस साइड में क्रिएट करे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज जनरेट मोड, कि अगर आप अपने मॉडल को या फिर किसी मेंबर को मिरर करा रहे हैं तो उस केस में आपको उसे मूव कराना है या फिर कॉपी कराना है। इसे हम देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस पोर्शन को मिरर कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसको मैं मिरर कराना चाहता हूँ, एंड कहाँ पर टॉप पोर्शन मुझे इसे मिरर कराना है। तो हमने अभी देखा था कि टॉप और बॉटम में अगर मुझे अपने प्लेन को मिरर कराना है तो उसके लिए जो हम मिरर प्लेन यूज में लेंगे, डेट इज एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन पे हम क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डेट इज प्लेन पोजिशन। इसका मतलब है कि आपने इस पोर्शन को टॉप में कराना है या फिर बॉटम में कराना है। तो मैं इसे टॉप में कराना चाहता हूँ, तो टॉप में कराने के लिए हमारा जो टॉप साइड में जो भी नोड है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो नोड्स दे रखे हैं, तो किसी भी एक नोड पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो नोड कर्सर है इस पर आप क्लिक कीजिए, देन किसी भी एक नोड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है, डेट इज जनरेट मोड, मूव या फिर कॉपी। हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो क्लिक ऑन कॉपी, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये मिरर हो जाएगा। सेम इस तरह से हम इस पोर्शन को भी देख लेते हैं कि अगर हमारा ये जो पोर्शन है इसको अगर हमने मिरर कराना है तो उसके लिए हम जाएंगे मिरर ऑप्शन कमांड के अंदर। ये इसकी शॉर्ट की, आप यहाँ से मिरर कमांड यूज में ले सकते हैं। अब इस पोर्शन को मुझे राइट साइड में मिरर करना है, तो हम जानते थे लेफ्ट या फिर राइट साइड में मिरर करने के लिए हम कौन सा प्लेन यूज में लेंगे, डेट इज वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डेट इज प्लेन पोजिशन। अब इसे मुझे राइट साइड में मिरर कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट साइड के किसी भी नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो क्लिक ऑन नोड कर्सर, देन राइट साइड के किसी भी नोड को आप सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा ये मिरर फॉर्म हो गया। तो हमारी मिरर कमांड इस तरीके से वर्क करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप इन स्टेट प्रो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, फाइल नेम दैट इज क्रिएट ग्रुप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन एड बीम, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। क्रिएट ग्रुप टूल यूज करने के लिए सबसे पहले यहां पर हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्नैप नोट बीम मेथड को ऑफ कर देंगे, देन पुट अ नोड ऑन वर्क स्पेस, सिलेक्ट द नोड कर्सर, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट।
सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो क्रिएट ग्रुप होता है उसका यूज कहाँ पर आता है। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि अगर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, यहाँ से मैं टॉप व्यू कर दिया कि इस पोर्शन पे जो मेरा लोड आ रहा है वो मेरा अलग आ रहा है, इस पोर्शन पे मेरा लोड अलग आ रहा है एंड इस पोर्शन पे मेरा जो लोड है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर बीम के ऊपर डिफरेंट आ रहा है या फिर किसी नोड के ऊपर डिफरेंट आ रहा है। तो उस केस में जब हमारे काफी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं तो ऐसे इंडिविजुअली इंडिविजुअल डालने में लोड काफी टाइम लगेगा, तो हम इसको पहले ही क्या करेंगे, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे टॉप व्यू करता हूँ एंड इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ, तो इस पूरे स्ट्रक्चर पर जो लोड लगेगा इसको मैं अलग ही डिस्क्राइब कर दूंगा कि जैसे मेरा इस पर जो लाइव लोड आ रहा है वो मेरा 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो उस समय काफी सिंपल हो जाता है, इसलिए हम क्रिएट ग्रुप हम यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्रिएट ग्रुप हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। सो क्रिएट ग्रुप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे टूल्स के अंदर, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, डेट इज क्रिएट न्यू ग्रुप, क्लिक ऑन इट। तो कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रुप नेम डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्लोर लोड अप्लाई कर रहा हूँ, फ्लोर लोड। इधर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ग्रुप नेम के अंदर आपने कहीं भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है। सो फ्लोर लोड, देन उसके बाद ये पूछता है सिलेक्ट टाइप, यानी कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं वो आप किस मेंबर के लिए बना रहे हैं, नोड के लिए, बीम के लिए या फिर पूरी ज्योमेट्री के लिए बना रहे हैं या फिर फ्लोर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लोर लोड कंसिडर कर रहा हूँ, क्लिक ऑन फ्लोर लोड, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर एक और विंडो आपकी ओपन हो गई है, तो इसे अब हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पे फ्लोर लोड, फ्लोर अनअसाइंड, यानी कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं वो आप किन फ्लोर्स के लिए बना रहे हैं वो आपने अभी तक असाइन नहीं किया है, तो वो हमें असाइन करना होगा। उसके लिए हम अपने मॉडल में जाएंगे, एक इंडिविजुअल ग्रुप असाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टॉप व्यू में जाऊंगा। यहाँ पर हम जो ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हमारा जो फ्लोर लोड है वो डिफरेंट आ रहा है, वो हमारा इस पोर्शन के लिए आ रहा है एंड ये थ्रू आउट नीचे तक लग रहा है। देन क्लिक ऑन एसोसिएट टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन एसोसिएट। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, फ्लोर असाइंड हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक ग्रुप और बना लेता हूँ, डेट इज क्रिएट ग्रुप, डेट इज वॉल लोड, देन सिलेक्ट टाइप। वॉल लोड हमारा किस पे लगता है, ऑन बीम, तो क्लिक ऑन बीम, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो देन इसे भी हम असाइन कर देंगे, देन अगेन गो टू टॉप व्यू। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये दो वॉल्स है इन पर जो लोड आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू, असाइन टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री, क्लिक ऑन एसोसिएट। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, असाइन हो गया। देन इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि हम ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम बात करें कि ये जो हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं इनका यूज हमें कहाँ पे आता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसका हम जो यूज लेते हैं वो हम लेते हैं लोड एंड डेफिनेशन में, जब हम लोड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको लोड अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हमने दो ग्रुप बनाए थे, एक हमने बनाया था फ्लोर लोड के लिए, तो यहाँ से क्लिक ऑन एड ऑप्शन, क्लिक ऑन डेड लोड। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोर लोड लग रहा था उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्लोर लोड मान रहा हूँ, लाइव लोड नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। उसके बाद यहाँ पे हाँ एक लोड और लगाना है हमने, तो क्लिक ऑन अगेन एड बटन, लोडिंग टाइप डेट इज डेड लोड एंड टाइटल डेट इज वॉल लोड एंड क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब यहाँ पर हम एक एक असाइन करके देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम फ्लोर लोड को असाइन करते हैं तो क्लिक ऑन फ्लोर लोड, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, गो टू फ्लोर लोड। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुछ ही मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फ्लोर लोड लग रहा है हमारा। अब जो हमने ग्रुप बनाया था हम चाहते हैं कि जो -3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो लोड है वो हमारे उस ग्रुप पे लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर एक आप ऑप्शन देख रहे हैं ग्रुप ऑप्शन, तो क्लिक ऑन ग्रुप ऑप्शन। तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं कि फ्लोर लोड के लिए आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो अगर मैं इस लोड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा दिख रहा है कि हमने जहां पे ग्रुप क्रिएट किया था सिर्फ वहीं पर ये क्या हुआ, फ्लोर लोड अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर टॉप व्यू में देखें तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन के लिए हमारा फ्लोर लोड अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रिएट ग्रुप करते हैं, और क्रिएट ग्रुप करके हम कहाँ पे उसका यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट सेक्शन टूल के बारे में, स्टैट प्रो के अंदर हम कट सेक्शन टूल किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि जो कट सेक्शन टूल है वो हम यूज कहाँ पे लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है एंड इसका जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है इस लेवल पे मुझे फ्लोर लोड लगाना है। तो उस केस में अगर मैं इस तरह से इसमें फ्लोर लोड लगाऊंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट फ्लोर लेवल को अलग से कट कर लेंगे, यानी कि सिर्फ हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल ही दिखेगा, बाकी हमारा होल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से करते हैं।
सो कट सेक्शन कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन टूल ऑप्शन। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन गिवन है, डेट इज कट सेक्शन, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। अब इसे हम समझ लेते हैं कि इस विंडो के थ्रू हम किस तरीके से हमारा सेक्शन कट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा है रेंज बाय पॉइंट। यहाँ पर अलग अलग मेथड दे रखे हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे सेक्शन कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेंज बाय पॉइंट की, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि हम जो सेक्शन कट करेंगे वो हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर लेवल को। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है ये हमारा कौन से प्लेन के अंदर आ रहा है, डेट इज एक्स जेड प्लेन, क्योंकि जो हमारा फ्लोर होता है वो हमारा एक्स जेड प्लेन के अंदर ही आएगा। तो क्लिक ऑन एक्स जेड प्लेन। देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज विद नोड। इसका मतलब है आप जिस लेवल पे आप कट करना चाह रहे हैं उसके किसी भी एक नोड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो उसके लिए हमें नोड नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम कैंसिल करेंगे यहाँ से एंड नोड नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है इसका कोई भी एक नोड नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 104। देन अगेन गो टू कट सेक्शन। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूँ, कट सेक्शन का हमें एक शॉर्टकट दे रखा है, क्लिक ऑन इट। तो सेम विंडो यहाँ से आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा एक्स जेड प्लेन था एंड विद नोड, नोड नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं डेट इज 104। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा फर्स्ट फ्लोर लेवल है वो हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो नोड नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं उसको हम ऑफ कर देंगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एन। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो पहला टाइप आपका ये था कि हम किस तरीके से कट सेक्शन करते हैं। एंड इसमें जो हमारा सेकंड मेथड आता है डेट इज रेंज बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर सेम कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर देते हैं। अगर यहाँ पे शो ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देन अगेन गो टू कट सेक्शन। सो सेकंड मेथड की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट फ्लोर लेवल को ही कट करेंगे। देन प्लेन हमारा जो हम यूज में लेंगे डेट इज एक्सजेड प्लेन। सो क्लिक ऑन एक्सजेड प्लेन। अब यहाँ पर ये रेंज पूछ रहा है डेट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब इस मिनिमम और मैक्सिमम का ये मतलब है कि आपका बेस से जो फ्लोर की जो लेवल है उसका डिस्टेंस कितना है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, आप कहाँ से कहाँ तक कट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ इस लेवल को कट करना चाहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर लेवल, तो इसके हम सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे। देन अगेन कैंसिल इट फर्स्ट। देन गो टू डिस्प्ले नो टू नो डिस्टेंस। सो यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है डेट इज 6 मीटर। देन अगेन गो टू कट सेक्शन, क्लिक ऑन रेंज बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम जो मिनिमम रेंज डालेंगे वो हम डालेंगे 6 मीटर एंड मैक्सिमम इज ऑल्सो 6 मीटर। प्लेन इज एक्सैक्ट प्लेन। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कट सेक्शन आ गया। एक हमारा मेथड ये था। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड और आता है। सबसे पहले हम डिस्प्ले नो टू नो डिस्टेंस को ऑफ कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो वापस से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। अब इसमें हम तीसरा मेथड और देख लेते हैं। तो उसके लिए गो टू कट सेक्शन। अब यहाँ पर तीसरा मेथड हमारा आता है डेट इज सेलेक्ट टू व्यू। सेलेक्ट टू व्यू के अंदर भी हमारे तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड आता है डेट इज विंडो रबर बैंड, सेकंड इज व्यू हाईलाइटेड ओनली एंड थर्ड वन इज सेलेक्ट टू व्यू। विंडो रबर बैंड का मतलब होता है आप एक विंडो बना दीजिए और उस विंडो के अंदर जो भी आपकी बीम या फिर कॉलम्स आएंगे वो सब आपके कट हो जाएंगे, यानी कि वो सेक्शन आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं। तो विंडो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पे ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन। देन सेलेक्ट द फर्स्ट फ्लोर लेवल एंड ये आपका यहाँ से कट हो गया। अगर इसका मैं आइसोमेट्रिक व्यू देखता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। आपको जितना लेवल पे कट करना है आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं विंडो बना के। तो फर्स्ट मेथड आपका ये था। देन अगेन गो टू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। देन क्लिक ऑन कट सेक्शन व्यू। इसके बाद सेलेक्ट टू व्यू के अंदर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है डेट इज व्यू हाईलाइटेड ओनली। इसका मतलब होता है कि आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जिस भी मेंबर को आपने हाईलाइट कर रखा है वो आपका अलग से सेक्शन कट हो जाएगा। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। उसके लिए इसे हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हमें उस मेंबर को हाईलाइट करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला बीम है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन इट। देन गो टू कट सेक्शन व्यू। देन गो टू सेलेक्ट टू व्यू। देन क्लिक ऑन व्यू हाईलाइटेड ओनली एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आपका जो ये मेंबर है ये आपका अलग से कट होके आ गया। तो ये कमांड हमारी इस तरह से वर्क करती है। देन अगेन गो टू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। देन क्लिक ऑन कट सेक्शन व्यू। देन इन सेलेक्ट टू व्यू हमारा थर्ड ऑप्शन आता है डेट इज सेलेक्ट टू व्यू। तो ये भी आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप सेक्शन कट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे कट सेक्शन के कि हम सेक्शन को किस तरह से कट कर सकते हैं और अगर उन पे हम इंडिविजुअल लोड लगाना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू असाइन अ प्रॉपर्टी। स्टैट प्रो के अंदर जो प्रॉपर्टी की कमांड होती है उसको हम किस तरीके से असाइन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन रन स्ट्रक्चर विजार्ड।
देन सिलेक्ट फ्रेम मॉडल, देन क्लिक ऑन बे फ्रेम। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ डेट इज 3, इट्स ऑल्सो 3, हाइट में यहाँ पे 9 मीटर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन, क्लिक ऑन क्लोज बटन, देन क्लिक ऑन यस बटन। स्नैप नोट बीम मेथड को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ही हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। अब प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल के अंदर, देन यहाँ पर आपको टॉप में एक ऑप्शन दिखेगा डेट इज प्रॉपर्टी ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। तो राइट साइड में आपका एक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है डेट इज डिफाइन, तो क्लिक ऑन डिफाइन ऑप्शन। यहाँ पर अगर डिफाइन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसका क्या मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे कि आपका जो मॉडल है उसमें हमारे जो बीम्स हैं एंड जो कॉलम्स हैं उनकी आप साइज क्या देना चाहते हैं, तो आप साइज यहाँ से असाइन करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट साइज दे रखी है कि अगर आप सर्कल चूज करना चाहते हैं तो सर्कल आप बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टी सेक्शन है, ट्रेपिजॉइडल सेक्शन है, उसके अलावा जनरल सेक्शन है, यानी कि अगर आप खुद की अपनी साइज बनाना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, उसके अलावा टेपर्ड हो गया, ट्यूब सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे कॉलम्स हैं वो भी मेरे रेक्टेंगुलर हैं एंड जो मेरी बीम्स हैं वो भी हमारी रेक्टेंगुलर है। तो क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर ऑप्शन। यहाँ पर मैं जो वाई डी है डेट इज डेप्थ, वो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डेट इज 0.230 एंड विड्थ ऑल्सो 0.230। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल, तो मटेरियल यहाँ पे हम चूज करें डेट इज कंक्रीट। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन इसके बाद हम अगर बात करते हैं बीम की, बीम की हमें साइज यहाँ पे गिवन है डेट इज 0.30 मीटर × 0.230, ठीक है। क्लिक ऑन एड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो यहाँ पर आपकी साइज डिफाइन हो गई है। अब इस साइज को हम इस मॉडल पे असाइन करेंगे, तो वो हम किस तरह से करते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट मेथड, ठीक है। तो इसके चार मेथड हैं कि हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारे कॉलम की साइज दे रखी है 0.230 × 0.230, ठीक है। इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए, देन ये साइज आप जिस जिस कॉलम पे असाइन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे क्लिक कीजिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी असाइन होगी, ठीक है। अगर इसका रेंडर व्यू अगर अपन देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है डेट इज यूज कर्सर टू असाइन। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन। इसका मतलब होता है हम अपने कर्सर की हेल्प से यहाँ पे प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, यानी कि साइज असाइन करेंगे। तो जैसे कि मुझे इस कॉलम पे असाइन करनी है तो इस कॉलम के पास जाइए एंड क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे असाइन हो गया। इस कॉलम पे जाइए, यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से असाइन कर देता है। देन इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है डेट इज असाइन टू एडिट लिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको मेंबर्स के नंबर पता है तो आप वो यहाँ पे सीधा टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ शिफ्ट प्लस बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्लिक ऑन असाइन टू एडिट लिस्ट। अब यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ डेट इज 95 पे एंड 96 मेंबर पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 95 एंड 96, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो साइज है वो असाइन हो चुकी है। तो असाइन टू एडिट लिस्ट का मतलब ये होता है। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू का मतलब होता है कि जो हमने साइज सेलेक्ट कर रखी है वो हमारे होल स्ट्रक्चर पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। चाहे बीम हो या फिर कॉलम हो, हर जगह ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसे भी देख लेते हैं, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारी साइज है वो बीम एंड कॉलम सभी मेंबर्स पे असाइन हो चुकी है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो साइज होती है उसको हम किस तरीके से हमारे मॉडल में असाइन करते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बचे हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एडिट का। अगर हमको इसकी साइज चेंज करनी है तो इसके लिए आप उस साइज पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मुझे ये वाली साइज चेंज करनी है, तो क्लिक ऑन इट, देन गो टू एडिट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सिंपली साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मटेरियल चेंज करना है तो यहाँ से आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ से ये मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेट इज डिलीट ऑप्शन। डिलीट का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर आप इनमें से कोई भी साइज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा ये डिलीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वैल्यूज, एंड वैल्यूज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमको बता देगा कि हमारे मॉडल में जो साइज यूज हुई है वो कितनी है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, साइज कितनी है, ये सब चीजें यहाँ पे
शो करने लग जाएगा ये, ठीक है। देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज सेक्शन डेटाबेस। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जनरली होता है जब भी हम स्टील सेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। स्टील सेक्शन हो गया, कोल्ड फॉर्म स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर इस टाइप का हमारा मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम यहाँ से वैल्यू सपोर्ट करते हैं। तो स्टील के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, चाइनीज, इंडियन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडियन यूज लेते हैं, तो इंडियन पे जाइए, यहाँ पे आपको शेप मिल जाएंगी, एस शेप, आई शेप, एम शेप, जो भी आपको शेप कंसिडर करनी है सीधा आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन एड कर दीजिए। तो ये हमने देख लिया सेक्शन डेटाबेस का मतलब। देन इसके बाद हमारा आता है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में भी आपको यही सब शो होगा कि आपका एल्यूमिनियम है, कंक्रीट है, स्टेनलेस स्टील है, स्टील है। इसके लिए स्टेड जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी वो वह क्या ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा पॉइजन रेशियो क्या ले रहा है, डेंसिटी कितनी है, अल्फा डिग्री सेल्सियस में कितना है, यील्ड स्ट्रेस कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जितनी वैल्यूज हैं सब येलो कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है, येलो बैकग्राउंड दे रखा है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं इधर से। तो इसे भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देन मटेरियल्स के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, डेट इज थिकनेस ऑप्शन। थिकनेस का मतलब होता है कि अगर आप स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में आप यहाँ से थिकनेस डाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम स्लैब की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्लैब प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन एड प्लेट, क्लिक ऑन क्वाड्रेटर। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी अगर हम थिकनेस देते हैं तो यहाँ से मैं इसकी थिकनेस देता हूँ डेट इज 150 mm, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ, तो क्योंकि हमारी एक ही प्लेट है तो उस पर ये असाइन हो जाएगा। अब अगर इसका रेंडर व्यू हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम प्रॉपर्टी किस तरीके से असाइन करते हैं हमारे मॉडल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल मेंबर्स के बारे में कि फिजिकल मेंबर्स क्या होते हैं एंड फिजिकल मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टैट प्रो में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देन गो टू फ्रेम मॉडल, क्लिक ऑन बे फ्रेम, देन नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ दैट इज 3, नंबर ऑफ बेस अलोंग हाइट दैट इज ऑल्सो 3, एंड नंबर ऑफ ये 4 रख लेते हैं, एंड हाइट हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज 9 मीटर। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। इससे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क स्पेस में इंसर्ट हो जाएगा। स्नैप नोट बी मेथड को हम ऑफ कर देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल मेंबर्स का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जब हम रिजल्ट देखेंगे तो इस बीम का रिजल्ट, इस बीम का रिजल्ट एंड इस बीम का रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। यानी कि इनमें जो रीइन्फोर्समेंट लगेंगी वो भी हमारी क्या लगेंगी, डिफरेंट डिफरेंट लगेंगी। उस केस में जब हम प्रैक्टिकली जब रीइन्फोर्समेंट बिछाते हैं बीम के अंदर, तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे कि भाई एक बीम के लिए इस पोर्शन के लिए अलग सरिया लग रहा है, इसके लिए अलग सरिया लग रहा है, इसके लिए अलग सरिया लग रहा है, तो बिछाना काफी मुश्किल हो जाएगा और वो इकोनॉमिकल भी हमें नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरी बीम को एक सिंगल बीम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बीम नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ, डेट इज शिफ्ट प्लस बी। तो यहाँ पर हम बीम नंबर 9, 8 एंड 7 को हम पूरी को एक बीम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीम हमारी सिंगल बीम बन जाएगी, नहीं, ये हमारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल बीम तो रहेगी, लेकिन स्टेड इसमें जब हम फिजिकल मेंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं तो यहाँ पर थ्रू आउट द लेंथ में एक बीम और कंसिडर कर लेगा, 7, 8, 9 को कंबाइन करके, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। सो बीम नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उनको हम ऑफ करते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस बी अगेन। फिजिकल मेंबर असाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेट इज फिजिकल मेंबर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब आप फिजिकल मेंबर पर क्लिक कर दोगे तो राइट साइड में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारा, जो कि फिजिकल मेंबर्स की प्रॉपर्टी शो करेगा कि हमने किस किस मेंबर को फिजिकल मेंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने किसी भी बीम को फिजिकल मेंबर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ये मेंबर है एंड ये मेंबर एंड दिस मेंबर, इसको हमने पूरी को एक बीम में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक फिजिकल मेंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, देन राइट क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेट इज फॉर्म मेंबर। तो फॉर्म मेंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फिजिकल मेंबर क्रिएट हो गया है डेट इज M1, ठीक है। अगर राइट साइड में अगर आप अब देखेंगे तो मेंबर नंबर यहाँ पे लिखा रहा है M1, एंड ये जिस बीम से मिलके बना है डेट इज 7, 8, 9 से मिलके फॉर्म हुआ है मेंबर।
यहां पर अगर मैं बीम नंबर डिस्प्ले करता हूं शिफ्ट प्लस बी, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि 7, 8, 9 से मिलकर हमारे क्या बनाए, फिजिकल मेंबर 1 बना हुआ है। इसके बाद फिजिकल मेंबर क्रिएट करने की हमारी एक शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कि अगर मुझे इस मेंबर को मुझे फिजिकल मेंबर में क्रिएट करना है तो सिलेक्ट ऑल द बीम्स, देन गो टू, यहां पर आप लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख रहे होंगे कुछ टूल्स मुझे दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर एक टूल में हमारा वो ऑप्शन आ रहा है, दैट इज फॉर्म मेंबर, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या होगा, ये फॉर्म मेंबर मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हम समझ गए कि फिजिकल मेंबर हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं। अब यहां पर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैं इस फिजिकल मेंबर को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे क्या मेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बीम ही सिलेक्ट हो रही है, पूरा फिजिकल मेंबर मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो मैं कर्सर यूज में ले रहा हूं वो मैं बीम कर्सर यूज में ले रहा हूं, एंड फिजिकल मेंबर सिलेक्ट करने के लिए मुझे फिजिकल मेंबर कर्सर यूज में लेना पड़ेगा। वो हम कहां से लेंगे, वो भी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक टूल गिवन है, डेट इज सिलेक्ट फिजिकल मेंबर कर्सर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं इस मेंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा फिजिकल मेंबर सिलेक्ट हो रहा है, सेम इसके लिए। एंड इसके अलावा अगर मैं कहीं भी इसे क्लिक करता हूँ तो मेरा कोई भी मेंबर सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये फिजिकल मेंबर कर्सर है। जैसे कि अगर मैं होल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जहां पे फिजिकल मेंबर है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिजिकल मेंबर टूल इस तरीके से हमारा वर्क करता है। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि किन किन केसेस के अंदर हमारा फिजिकल मेंबर क्रिएट नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बीम कर्सर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि जैसे ये मेरा मेंबर है, ठीक है, एंड ये मेंबर है, ये क्या मेरे कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में अगर मैं इनको मेंबर फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म मेंबर पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ गया, बीम्स आर नॉट कोलिनियर, अनेबल टू फॉर्म फिजिकल मेंबर, ठीक है। इसके लिए आपकी जो बीम्स है वो क्या होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए, यानी कि सीधी की सीधी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर गई फिर राइट एंगल मुड़ गई और आप उस पूरे को बनाना चाह रहे हो तो आपका फिजिकल मेंबर ऐसे फॉर्म नहीं होगा। अगर आपका जो मेंबर है, जैसे कि अगर मैं इस मेंबर की बात करूं, इसकी साइज मेरी डिफरेंट है एंड जो इसकी जो मेरी साइज है, जो विड्थ एंड जो डेप्थ है वो डिफरेंट है, तो उस केस में भी ये दोनों आपस में क्या फिजिकल मेंबर क्रिएट नहीं करेंगे, अगर इन दोनों कॉलम्स की साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है तो। इसके बाद इसमें हमारा थर्ड केस और आता है कि उस केस में हमारा फिजिकल मेंबर क्रिएट नहीं होगा अगर हमारा, जैसे कि हमारा एक मेंबर ये है एंड एक मेंबर हमारा ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नोड नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ, जैसे कि हमारी जो बीम है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे हमारा नोड नंबर 1 है एंड जो एंड पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे, इस बीम का, डेट इज नोड नंबर 5 पे है। एंड उसके बाद अगर मैं बीम नंबर 14 की बात करता हूँ तो इसका जो स्टार्टिंग नोड है वो हमारा नोड नंबर 5 है एंड एंड पॉइंट क्या है हमारा, नोड नंबर 9। अगर कोई भी मेंबर हमारा इस तरह से दे रखा है कि उसके एंड पॉइंट के बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्लू के बाद अगर ग्रीन नहीं हो रहा है, ब्लू के बाद सीधा ब्लू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में भी हमारा फिजिकल मेंबर क्रिएट नहीं होता है। देन इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम एक एक इंडिविजुअल मेंबर्स को सिलेक्ट करके देन मेंबर्स फॉर्म करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो स्टेड में हमें एक ऐसा ऑप्शन भी दे रखा है जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली हर जगह क्या फिजिकल मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, डेट इज ऑटो फॉर्म मेंबर का। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस होल स्ट्रक्चर को आप सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन ऑटो फॉर्म मेंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फिजिकल मेंबर्स हैं वो सभी फॉर्म हो चुके हैं राइट साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके टोटल 47 फिजिकल मेंबर्स फॉर्म हो चुके हैं। ये तो हमने देख लिया कि फिजिकल मेंबर्स हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल मेंबर्स में हम प्रॉपर्टीज किस तरह से असाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल में ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टी ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन के अंदर जाएंगे डिफाइन ऑप्शन के अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मान रहा हूँ, कॉलम भी मेरी रेक्टेंगुलर है एंड बीम भी मेरी रेक्टेंगुलर है, एंड की जो साइज है डेट इज 0.230 एंड जेड इज ऑल्सो 0.230, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन करता हूँ, जैसे कि असाइन टू सिलेक्टेड बीम करता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे असाइन नहीं होगा, कुछ इस तरह का हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये हमारा बता रहा है कि हमने जो प्रॉपर्टी असाइन की है ये हमारी फिजिकल मेंबर्स के लिए असाइन नहीं की है, तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले हमें फिजिकल मेंबर्स में असाइन करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन दे रखा है, डेट इज टॉगल फिजिकल मेंबर मोड। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए फिजिकल मेंबर मोड ऑन करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फिजिकल मेंबर मोड ऑन हो जाएगा। तो वापस से अब आप डिफाइन पे क्लिक कीजिए एंड गो टू रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे वापस से मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ, डेट इज 0.230 इंटू 0.230, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन,
देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइड में हमारा कुछ लिखा गया है, डेट इज फिजिकल मेंबर, यानी कि अभी जो प्रॉपर्टीज है ये हम किस पे असाइन कर सकते हैं, फिजिकल मेंबर्स पे असाइन कर सकते हैं। तो असाइन टू व्यू पे हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी सभी प्रॉपर्टीज असाइन हो गई हैं। तो ये हमने सीखा कि फिजिकल मेंबर्स के केस में प्रॉपर्टीज हम किस तरह से असाइन करते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू असाइन सेल्फ वेट, डेट इज डेड लोड, वॉल लोड हम किस तरह से असाइन करते हैं, इसके अलावा यूनिफॉर्म फोर्स होगी, कंसंट्रेटेड फोर्स होगी, एंड हम ये भी देखेंगे कि जो पैरापेट वॉल होती है उसको हम किस तरीके से असाइन करते हैं हमारे मॉडल में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अब इसमें हम सीधा लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो लोड लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन ऑप्शन। तो राइट साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगी एंड इसकी हेल्प से ही हम लोड यहाँ पे असाइन करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ वेट के बारे में। तो सेल्फ वेट असाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे लोड केस डिटेल में, तो क्लिक ऑन इट, देन इसके बाद इसमें हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं आपको, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है डेट इज लोडिंग टाइप। कि अगर हम बात करें जो हमारा सेल्फ वेट है, हम जानते हैं कि हमारा जो सेल्फ वेट होता है उसे हम डेड लोड के अंदर ही कंसिडर करते हैं। सो क्लिक ऑन डेड लोड एंड यहाँ पर हम टाइटल मैंशन कर देंगे डेट इज सेल्फ वेट, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। अब यहाँ पर जो हमारा सेल्फ वेट है वो हमारा ऐड हो गया है, बट ये अभी असाइन नहीं हुआ है। असाइन करने के लिए हमें वापस से इसे ऐड करना होगा। तो उससे पहले हम बाकी लोड्स भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट लोड था डेट इज वॉल लोड, ये भी हमारा डेड लोड होता है। सो क्लिक ऑन ऐड बटन, देन इसके बाद थर्ड हमारा आता है डेट इज यूडीएल, एंड इसके बाद जो फोर्थ लोड था डेट इज कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, सो ये सब हमारे डेड लोड है। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पर हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वेट की। जैसा कि हम सब जानते हैं जो हमारा सेल वेट होता है वो हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। तो इसको ऐड करने के लिए क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ से हम सेल वेट लोड ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है डेट इज सेल्फ वेट। तो यहाँ पे सेल्फ वेट लोड पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो जो सेल्फ वेट होता है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। सो डायरेक्शन जो हम यहाँ पे चूज करेंगे डेट इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर जो फैक्टर हम यूज में लेंगे, हम यहाँ पे वन फैक्टर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं क्योंकि जो स्टैट होता है, स्टैट में आप जब भी लोड लगाएं तो उससे पहले आप एक माइनस जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आप माइनस नहीं दिखाएंगे तो जो सेल्फ वेट लगेगा ये बिल्डिंग के ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो आप इसलिए माइनस दिखाइए यहाँ पे, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पे सेल्फ वेट जो हमारा ऐड हो चुका है, अभी क्वेश्चन मार्क ये शो कर रहा है कि ये हमारा जो सेल्फ वेट है वो अभी हमारा मॉडल पे असाइन नहीं हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे, और जैसे कि हमारा सेल्फ वेट है ये हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे लगता है, सो असाइन टू व्यू हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सेल्फ वेट है हमारे पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन हो चुका है, एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क था वो भी यहाँ से हट चुका है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा लोड आता है डेट इज वॉल लोड। तो वॉल लोड पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। अब जो वॉल लोड होता है, वॉल लोड हमारा किसके ऊपर लगता है, डेट इज बीम के ऊपर आएगा। एंड वॉल लोड हमारा किस तरह से आता है, डेट इज यूडीएल के फॉर्म में एक्ट करता है। तो ये एक मेंबर लोड होता है वॉल लोड। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स आएगा, यूनिफॉर्म फोर्स की तरह ये एक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आप वॉल लोड निकालेंगे वो आप किलो न्यूटन पर मीटर में निकालेंगे, एंड वॉल लोड निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेट इज थिकनेस ऑफ वॉल इंटू हाइट ऑफ वॉल इंटू यूनिट वेट ऑफ ब्रिक। तो इससे आपका वॉल लोड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा वॉल लोड लग रहा है डेट इज -3 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है कि कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, इसे हम मान रहे हैं कि हमारे पूरी की पूरी बीम के ऊपर लग रहा है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। तो हमारा जो वॉल लोड है ये हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे हमने जी वाई कंसिडर किया। जी का मतलब होता है ग्लोबल एक्सिस, हम यहाँ पे ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पी का मतलब होता है प्लेट, एंड यहाँ पे जो एक्स वाई जेड दे रखा है ये हमारी लोकल एक्सिस दे रखी है। तो यहाँ पे हम जो लोड्स लगा रहे हैं वो हम ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्लोबल एक्सिस कंसिडर करेंगे, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब इस वॉल लोड को भी हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो यानी कि असाइन अभी तक नहीं है। तो इसे असाइन करने के लिए हम यहाँ पे बीम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो वॉल लोड है वो बीम पे लगता है। तो यहाँ पे जितने भी बीम्स हैं आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। अगर इसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू में देखता हूँ तो हमारी बीम सभी सिलेक्ट हो चुकी हैं, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन।
तो सभी बीम्स पे हमारा जो वॉल लोड है वो असाइन हो चुका है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट लोड आता है डेट इज यूडीएल, तो यूडीएल को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पैरापेट वॉल, तो इसके आगे हम लिख लेते हैं डेट इज पैरापेट वॉल लोड, क्लिक ऑन चेंज, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो पैरापेट वॉल पे क्लिक करेंगे, देन अगेन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन मेंबर लोड, क्योंकि जो पैरापेट लोड आएगा वो भी हमारा वॉल लोड होता है, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म फोर्स की तरह ही एक्ट करेगा। तो यहां पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ जो पैरापेट वॉल का जो लोड आ रहा है डेट इज -1.5 किलोमीटर पर मीटर इन वाइड एक्शन ओनली, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब यहाँ पर जो पैरापेट वॉल का जो लोड है इसे भी हम असाइन कर देते हैं। पैरापेट वॉल का जो लोड होता है वो हमारा कहाँ पे लगता है, टॉप बीम्स पे लगता है, एंड जो एक्सटीरियर बीम्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेक्शन कट कर लेंगे, क्लिक ऑन कट सेक्शन व्यू, क्लिक ऑन सेलेक्ट टू व्यू, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, एंड यहाँ से हमने सेक्शन कट कर लिया। अब क्लिक ऑन टॉप व्यू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी बीम्स हैं उनको, जो एक्सटीरियर बीम्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। अब इसे अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं एंड डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो पैरापेट वॉल का जो लोड है वो हमारी जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं टेरेस में वहां पर लग चुका है, ठीक है। तो यूडीएल हम इस तरीके से एक्ट करते हैं। सेम पॉइंट लोड के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, गो टू मेंबर लोड, यहाँ पे कंसंट्रेटेड फोर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जिस भी लोड आपका लग रहा है वो आप लोड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं लगा रहा हूं -2 किलोमीटर का, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, तो इसे भी हम यहां से असाइन कर देंगे। तो मैं जो ये लोड है पॉइंट लोड वो मैं इस वॉल पे कंसिडर कर रहा हूं, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से हमारे लोड्स असाइन होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि सेल वेट हम किस तरह से असाइन करते हैं, वॉल लोड किस तरह से असाइन होता है, उसके अलावा जो यूडीएल होता है डेट इज पैरापेट वॉल पॉइंट लोड, तो आज हमने ये सब लोड देखे। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, जिसे हम यूवीएल भी कहते हैं, इसके अलावा इसे हम ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं, एंड हम ट्रेपिजोइडल लोड के बारे में भी देखेंगे कि इन दोनों लोड को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हम सीधा लोड लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जनरल ऑप्शन में जाएंगे। जनरल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें लोड एंड डेफिनेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक विंडो आ जाएगी जिसमें हम लोड एंड डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूवीएल की, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। तो उसके लिए लोड के इस डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। अब जो हमारा यूवीएल होता है ये हमारा डेड लोड होता है, तो लोडिंग टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट इज डेड लोड, एंड जो टाइटल देंगे डेट इज यूवीएल, या फिर जिसे आप ट्राइंगल लोड भी कह सकते हैं। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन इसके बाद जो दूसरा लोड जिसे आज हम असाइन करेंगे डेट इज ट्रेपिजोइडल लोड, ये भी हमारा डेड लोड ही होता है, इसको भी क्लिक ऑन एड बटन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पर जो लोड केस डिटेल में जो लोड्स दिख रहे हैं इनको हमने इनके लोड के टाइप से सिर्फ मेंशन किया है। अब इन लोड्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि अगर सबसे पहले हम यूवीएल को ऐड करते हैं तो क्लिक करेंगे हम यूवीएल के ऊपर, देन नीचे हम यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। जो यूवीएल लोड होता है ये हमारा एक मेंबर लोड होता है, तो यूवीएल लोड के लिए हम मेंबर लोड पे हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हमें एक टर्म दिख रही है डेट इज लीनियरली वेयरिंग, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर यूवीएल के अंदर हमारी दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर लोड तो हमारा यूवीएल लग रहा है, यहाँ पर हम W1 की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं एंड W2 की भी इंटेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे इसमें वो हमें दे रखा है ट्राइंगुलर लोड का, ठीक है। तो एक एक करके इन लोड्स को हम देख लेते हैं और दोनों ही लोड्स हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लीनियरली वेयरिंग लोड की। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, W1 इंटेंसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन है -2 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप लोड असाइन करें तो उससे पहले आपको माइनस लगाना ही लगाना है। देन यहाँ पर इस कॉर्नर पे जो W2 आ रहा है, जो इंटेंसिटी ऑफ लोड आ रहा है, उसको हम मान लेते हैं डेट इज -4 किलोमीटर पर मीटर। देन इसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो लोड है वो हमारा वाई एक्सिस में लगता है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एंड यहाँ पर ये लोकल एक्सिस को कंसिडर करता है, ठीक है। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, तो एक तो लोड हमारा ये हो गया, देन एक लोड हम लगा लेते हैं इसमें ट्राइंगुलर लोड, सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो यहाँ पर जो W3 है वो हम कंसिडर कर लेते हैं डेट इज -5 किलोमीटर पर मीटर, डायरेक्शन वाई एक्सिस, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो यहाँ पर हमारे यूवीएल के लोड
ऐड हो चुके हैं। इसके बाद इसमें हम ट्रेपिजॉइडल लोड भी ऐड कर लेते हैं। सो गो टू ऐड ऑप्शन। जो ट्रेपिजॉइडल लोड होता है ये भी हमारा मेंबर लोड होता है, तो इसके लिए भी हम जाएंगे मेंबर लोड में। एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, डेट इज ट्रेपिजॉइडल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इससे हमारी ट्रेपिजॉइडल लोड की जो विंडो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे इस डायग्राम में हमें मैंशन है कि जो ट्रेपिजॉइडल लोड है यहाँ पे जो इंटेंसिटी दे रखी है इस पॉइंट की, ये हमें W1 दे रखी है, एंड इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी दे रखी है डेट इज W2। एंड W1 इंटेंसिटी का जो हम लोड लगाएंगे उसकी जो डिस्टेंस है वो हम D1 कंसिडर करेंगे, एंड जो W2 इंटेंसिटी का जो लोड लगाएंगे उसकी जो डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट से वो हम D2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जहां से हम डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे वो हमारा बीम का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो हमें ग्रीन कलर से शो होता है। तो यहाँ पर मैं W1 मान लेता हूँ, डेट इज -2 किलोमीटर पर मीटर, एंड जो W2 मेरा लग रहा है डेट इज -4 किलोमीटर पर मीटर। जो मेरा W1 है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से लग रहा है डेट इज 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड W2 मेरा एक्ट कर रहा है डेट इज 1.5 मीटर डिस्टेंस पे। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ डेट इज वाई एक्सिस इन ग्लोबल वाई डायरेक्शन। सो क्लिक ऑन एड ऑप्शन देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पर हमने जो लोड्स है वो हमने यहाँ पे एड कर दिए, बट यहाँ पे इन सभी लोड्स के आगे क्या दिख रहा है हमें, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी कि हमारे मॉडल के अंदर भी असाइन नहीं हुए हैं। तो इनको हम एक एक करके असाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं UVL की। तो UVL में जो हमारा पहला लोड है डेट इज लीनियरली वेरिंग लोड, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा UVL लोड होता है वो हमारा किस पे असाइन होता है, वो हमारा बीम के ऊपर असाइन होता है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक बीम कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली बीम है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस पूरी बीम पे क्या एक्ट करेगा, हमारा लीनियरली वेरिंग लोड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम करता हूँ, देन क्लिक ऑन असाइन करता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो UVL लोड है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, असाइन हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा लोड आता है डेट इज ट्राइंगुलर लोड। ये भी एक UVL का ही टाइप है, तो ट्राइंगुलर लोड को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर ट्राइंगुलर लोड को मैं इस वाली बीम पर अगर असाइन करता हूँ तो उस केस में वो किस तरीके से दिखेगा, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ट्राइंगुलर लोड है वो यहाँ पे इस बीम पे असाइन हो गया है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लोड आता है डेट इज ट्रेपिजॉइडल लोड। तो ट्रेपिजॉइडल लोड की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम असाइन कर देंगे इस बीम के ऊपर। सो ट्रेपिजॉइडल लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हमारे लोड के ऊपर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्योंकि अभी असाइन नहीं हुआ है, तो इसे असाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बीम सेलेक्ट करेंगे कि किस बीम के ऊपर हम असाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस बीम को कंसिडर कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेपिजॉइडल लोड है वो हमारा असाइन हो गया है। एंड इसे अगर मैं साइड व्यू के थ्रू देखता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारा किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इस बीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है यानी कि यहाँ से क्या हुआ, हमारा बीम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमने W1 ये जो इंटेंसिटी का जो लोड है ये हमने कितना लिया था, डेट इज -2 किलोमीटर पर मीटर, एंड इसकी जो डिस्टेंस ली थी यहाँ से यहाँ तक डेट इज 0.5। एंड ये जो W2 इंटेंसिटी का जो लोड है ये हमने कंसिडर किया था -4, एंड यहाँ से जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है इससे जो डिस्टेंस है यहाँ तक की डेट इज 1.5 हमने कंसिडर की थी। तो आज हमने सीखा कि UVL लोड एंड जो ट्रेपिजॉइडल लोड होता है वो हम किस तरीके से एक्ट कराते हैं। एंड इसके बाद हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा फ्लो लोड होता है या फिर जो लाइव लोड होता है उसको हम किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पे असाइन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो लोड एंड लाइव लोड के बारे में। हम अपने मॉडल के ऊपर फ्लो लोड किस तरीके से अप्लाई करते हैं एंड लाइव लोड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं तो वो हम आज देखेंगे। यहाँ पर मैं मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो अब हम यहाँ पे सीधा लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे जनरल ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन ऑप्शन। अब यहाँ पर राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गई है। इसे समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, लोड से रिलेटेड मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देखिए जिसमें मैंने वॉल लोड किस तरीके से लगता है, पैरापेट वॉल का लोड किस तरह से लगता है, ट्राइंगुलर लोड किस तरह से लगता है, तो इन सब लोड्स के बारे में वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक विंडो ओपन हो गई है, इसमें सबसे पहले लोड असाइन करने के लिए आप लोड केस डिटेल पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। अब यहाँ पर जो विंडो ओपन हो गई है इसमें हम वैल्यूज पुट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम कौन कौन सा लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है डेट इज लोडिंग टाइप, एंड यहाँ पर दे रखा है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कि आप कौन सा लोड लगा रहे हैं, उस लोड को आप क्या नाम देना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फ्लोर लोड लगा रहा हूँ तो इसे हम नाम दे देंगे डेट इज फ्लोर लोड। एंड फ्लोर लोड के जो लोडिंग टाइप होती है अगर यहाँ पर उसे कंसिडर करते हैं तो हम जानते हैं कि जो फ्लोर लोड होता है वो हमारा कैसा लोड होता है, डेड लोड होता है, वो बिल्डिंग के साथ हमेशा रहता है।
ठीक है, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन इसके बाद इसमें हमारा एक और लोड आएगा, दैट इज लाइव लोड। एंड जो लाइव लोड होता है, इट्स अ लाइव लोड। ठीक है, लोडिंग टाइप कैसा हो गया, लाइव। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोर लोड को, तो क्लिक ऑन फ्लोर लोड, देन अगेन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। अब इस विंडो के थ्रू हम यहाँ पे जो फ्लोर लोड है उसको हम ऐड करेंगे, अभी असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे। फ्लोर लोड को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे इसमें फ्लोर लोड के अंदर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी रेंज दे रखी है कि आप किस रेंज में फ्लोर लोड लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब हम अपने स्ट्रक्चर में फ्लोर लोड लगाएंगे तब हम इसे देखेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज लोड, कि आप कितना लोड लगा रहे हैं। देन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है। देन उसके बाद रेंज, यहाँ पर रेंज डिफाइन करनी पड़ती है कि आप किस रेंज तक आप लोड लगा रहे हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैं फ्लोर लोड लगाऊंगा वो मैं इस लेवल पे लगाने वाला हूँ, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर का जो लेवल है इस पूरे लेवल पे मैं फ्लोर लोड अप्लाई करूंगा। उसके लिए यहाँ पे हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है प्रेशर आपने कितना देना है, यानी कि आपका जो लोड आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लोड मान लेता हूँ, डेट इज -5 kN/m². मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आप जब भी लोड अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको माइनस लगाना है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डेट इज डायरेक्शन, यानी कि आपका जो लोड है वो आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हमारा लग रहा है ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज रेंज। अब रेंज को यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेंज का क्या मतलब होता है। रेंज का मतलब होता है आपका डिस्टेंस, यानी कि आप जिस जगह पे फ्लोर लोड अप्लाई करने वाले हैं उसकी डिस्टेंस कहां से कहां तक है। जैसे कि सबसे पहले इसने पूछा है रेंज, डिफाइन वाई रेंज। वाई रेंज यानी कि आपका जो फ्लोर लेवल है वो आपका कितनी हाइट पे है। तो उसके लिए हमें नो टू नो डिस्टेंस डिस्प्ले ऑन करना पड़ेगा। अब यहां से अगर हम मेजर करते हैं यहां तक, तो हमारी जो हाइट आ रही है डेट इज 8 मीटर, तो हम 8 मीटर की हाइट पे फ्लोर लोड अप्लाई करने वाले हैं। एंड हमारे जो बेसमेंट की हाइट दे रखी है डेट इज यहां से लेके यहां तक, वो हमें दे रखे 3 मीटर। तो इसे भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मुझे सिर्फ इस फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ही फ्लोर लोड असाइन करना है तो उसके लिए मैं रेंज का डिफाइन करूंगा यहाँ से। अभी हम यहाँ पे एक्स रेंज एंड जेड रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वाई रेंज की बात करेंगे। तो वाई रेंज को मैं देखता हूँ, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर लेवल है, सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है डेट इज मिनिमम। यहाँ पर हम मिनिमम एंड मैक्सिमम इस तरह से चूज करते हैं कि उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल है सिर्फ वही आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर लेवल की जो हाइट है वो हमारी आ रही है 8 मीटर पर, तो मिनिमम यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं, 3 से हमने अबव लेना है। अगर 3 हमने ले लिया तो ये इस फ्लोर को भी कंसिडर कर लेगा। ठीक है, आपने 3 से ऊपर कुछ भी ले सकते हैं मिनिमम, तो वो हम मान लेते हैं यहाँ पे डेट इज 4 मान लेते हैं। एंड मैक्सिमम आपने जो हाइट लेनी है उसमें आपको 8 मीटर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि ये जो फ्लोर लेवल है वो भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे हम मान लेते हैं डेट इज 8 मीटर। अब इसे अगर मैं ऐड कर देता हूँ, देन क्लोज बटन। अब हमारा यहाँ पे जो लोड है वो हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, जो फ्लोर लोड था वो ऐड हो चुका है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि फ्लोर लोड और लाइव लोड के केस में जब आप लोड को ऐड करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली असाइन भी हो जाता है, क्योंकि हमने वहां पे रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी, तो ये ऑलरेडी असाइन भी हो चुका है आपके मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इस पर, तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लोर लोड है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल पे असाइन हो चुका है। तो फ्लोर लोड हमारा इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद इसमें हम समझ लेते हैं कि जो फ्लोर लोड है उसमें जो एक्स रेंज होती है एंड जो जेड रेंज है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए वापस हम जाएंगे फ्लोर लोड पे, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन गो टू फ्लोर लोड। अब यहां पर सबसे पहले हमें टोटल हाइट पता होनी चाहिए। अब यहां पर हम जो फ्लोर लोड अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे टॉप फ्लोर पे, ठीक है, एक ये वाले पोर्शन पे एंड एक ये वाले पोर्शन पे। ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारी एक्स रेंज है एंड जो जेड रेंज है वो हमारी किस तरीके से वर्क करती है। सो सबसे पहले इसकी हम टोटल हाइट देख लेते हैं। तो गो टू डिस्प्ले नो टू नो डिस्टेंस, देन यहां से लेके जो टोटल हाइट दे रखी है इसकी डेट इज 13 मीटर, एंड यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है इट्स 15, एंड यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है डेट इज 10 मीटर। अब ये कहां पर यूज आएगा, जब हम रेंज डिफाइन करेंगे ये वहां पे हम यूज में लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे पॉइंट आता है डेट इज लोड, तो यहां पे हम लोड कंसिडर कर लेते हैं डेट इज -2 kN/m². देन डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में हमारा लोड अप्लाई होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है रेंज, सबसे पहले इसमें हम वाई रेंज डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने टॉप फ्लोर के ऊपर लोड लगाना है एंड इन दो पोर्शन पे ही लगा रहे हैं हम। तो वाई रेंज हम क्या कंसिडर करेंगे, जो मिनिमम रेंज लेंगे हमारे सिर्फ टॉप फ्लोर ही इसमें कंसिडर होना चाहिए। तो यहां से यहां तक हमें पता है डेट इज 8 मीटर, तो 8 मीटर हम मिनिमम रेंज में अपनी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 8 मीटर भी हमने कर लिया कंसिडर
तो उस केस में क्या होगा, इस लेवल पे भी हमारा फ्लो लोड अप्लाई हो जाएगा, तो 8 मीटर से हम ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डेट इज 9 मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है 9 मीटर मान लेते हैं। एंड देन जो मैक्सिमम रेंज जो हमने रखनी है डेट इज 13 मीटर, ठीक है। एंड 9 मीटर एंड 13 मीटर के बीच में सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, टॉप फ्लोर आ रहा है। अब जो फ्लो लोड असाइन होगा वो सिर्फ हमारा टॉप फ्लोर में ही असाइन होगा, तो ये तो हमने वाई रेंज डिसाइड कर दी। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारी रेंज आती है डेट इज एक्स रेंज। एक्स रेंज का क्या मतलब है, आप ये वाली जो डिस्टेंस देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल एक्सिस है इसमें जो एक्स डायरेक्शन है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स रेंज भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ इस पोर्शन पे लगा रहे हैं, मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए उसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है। तो ये हमें दे रखी डेट इज 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखी है 5 मीटर। अब यहाँ पर जो एक्स रेंज के अंदर हम जो मिनिमम रेंज डिफाइन करेंगे वो कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ इस पोर्शन पे लगाना है, तो मिनिमम जो होगा वो हमारा इससे कम ही होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो गया तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो इससे हमारा कम होना चाहिए। तो यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है ये हमें दे रखी है 10 मीटर, तो इसका मतलब जो मिनिमम रेंज हम डिफाइन करेंगे डेट इज 10 मीटर। एंड जो मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है डेट इज 15 मीटर, तो जो मैक्सिमम रेंज होगी डेट इज 15 मीटर। तो इस तरीके से हम एक्स रेंज डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जेड रेंज की। तो जेड रेंज के लिए सबसे पहले तो हम ग्लोबल डायरेक्शन देख लेते हैं, ये हमारी जेड ग्लोबल डायरेक्शन है। अब इसमें अगर हम जेड रेंज की बात करते हैं तो यहां से लेके हम यहां तक लगाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम हम कितना रखेंगे डेट इज 0 एंड जो मैक्सिमम रखेंगे डेट इज 10, तो मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम जेड रेंज डिफाइन करते हैं, देन इसे एड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन क्लोज बटन। अब यहां पर अगर इसे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि जो हमारा फ्लोर लोड है वो हमारा इन दोनों पोर्शन पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम फ्लो लोड अप्लाई करते हैं एंड रेंज डिसाइड करते हैं। तो ये तो हमने देखा कि फ्लो लोड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लाइव लोड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लाइव लोड के ऊपर, देन गो टू एड ऑप्शन। अब जो लाइव लोड होता है, हमेशा आप याद रखना कि लाइव लोड हमेशा हम फ्लो लोड पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा फ्लो लोड होता है उस पे ही हम लाइव लोड अप्लाई करते हैं। एंड फ्लो लोड अप्लाई करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो सेम वही चीज है, आपको उसे वैल्यू स्पुट करनी है तो आप लाइव लोड भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो लाइव लोड है मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो उसके लिए प्रेशर में मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डेट इज -1 एंड वाई रेंज इसके लिए 0 से लेके 3 मीटर, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर पे अप्लाई हो चुका है लाइव लोड। तो आज हमने देखा कि फ्लोर लोड एंड लाइव लोड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मॉडल के ऊपर हम लाइव लोड किस तरह से असाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए स्नैप नोड बीम मेथड को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, देन वर्कस्पेस में एक नोड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द नोड बाय यूजिंग नोड कर्सर, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स 3, क्लिक ऑन ओके, देन गो टू बीम कर्सर, सो यहाँ पर हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सीधा लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे जनरल ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन ऑप्शन। अब यहाँ पर राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गई है। इसे समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, लोड से रिलेटेड मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज को भी देखिए, जिसमें मैंने वॉल लोड किस तरीके से लगता है, पैरापेट वॉल का लोड किस तरह से लगता है, ट्राइंगुलर लोड किस तरह से लगता है, तो इन सब लोड्स के बारे में वहां पे मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक विंडो ओपन हो गई है, इसमें सबसे पहले लोड असाइन करने के लिए आप लोड केस डिटेल पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। अब यहाँ पर जो विंडो ओपन हो गई है इसमें हम वैल्यू स्पोर्ट करके यहाँ पे मैंशन करेंगे कि हम कौन कौन सा लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है डेट इज लोडिंग टाइप, एंड यहाँ पर दे रखा है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कि आप कौन सा लोड लगा रहे हैं, उस लोड को आप क्या नाम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाइव लोड लगाने वाले हैं, तो टाइटल भी हम देंगे डेट इज लाइव लोड। तो लाइव लोड जो होता है वो हमारा लाइव लोड के फॉर्म में ही लगता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे लाइव लोड के ऊपर, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लोज बटन। तो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लाइव लोड के ऊपर, देन गो टू एड ऑप्शन। अब जो लाइव लोड होता है, हमेशा आप याद रखना कि लाइव लोड हमेशा हम फ्लो लोड पे ही अप्लाई करते हैं,
ठीक है, जो भी हमारा फ्लो लोड होता है उस पर ही हम लाइव लोड अप्लाई करते हैं। एंड फ्लो लोड अप्लाई करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सेम वही चीजें हैं, आपको सिर्फ वैल्यू सपोर्ट करनी है, तो आप लाइव लोड भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो लाइव लोड है मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, तो उसके लिए प्रेशर में मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डेट इज -1 एंड वाई रेंज इसके लिए 0 से लेके 3 मीटर। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर पे अप्लाई हो चुका है लाइव लोड। और इसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि हम रेंजेस किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो मैं फ्लोर लोड की वीडियो में ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक फ्लोर लोड वाली वीडियो नहीं देखी है कि हम फ्लोर लोड किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें कि हम रेंजेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कि हम अपने हाउस प्लान को स्टैड के अंदर इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो आर्किटेक्चर होता है उसके थ्रू जो हमें हाउस प्लान मिलता है उसको हम ऑटोकैड से स्टैड प्रो के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीजें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें आर्किटेक्चर के थ्रू एक हाउस प्लान दिया गया है और इस हाउस प्लान को हमने स्टैड प्रो के अंदर इंपोर्ट करना है। स्टैड प्रो के अंदर इंपोर्ट करने से पहले कुछ बातों का हमें खासकर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ये हाउस प्लान दे रखा है ये पूरा का पूरा आपका स्टैड प्रो में इंपोर्ट नहीं होगा। स्टैड प्रो के अंदर सिर्फ आपकी जो सेंटर लाइन्स होती हैं वही इंपोर्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 इंची की दीवार दे रखी है, इसके बीच से जो सेंटर लाइन जा रही है, सभी दीवार के बीच से जो सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है, जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट है, वही हम क्या करते हैं स्टैड प्रो के अंदर इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी जो कॉलम्स हैं उसकी भी प्लेसिंग आपको ही करनी पड़ेगी, ये आपका आर्किटेक्चर करके नहीं देगा। ये एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम होता है कि वो कॉलम की प्लेसिंग करे, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम की प्लेसिंग कीजिए। और जब आप कॉलम की प्लेसिंग कर दें उसके बाद आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। और सेंटर लाइन हमेशा आप याद रखना कि जैसे इस कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसे अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि जैसे इस कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारी सेंटर लाइन ये आ रही है एंड एक हमारी सेंटर लाइन ये आ रही है और एक सेंटर लाइन हमारी ये आ रही है, यहाँ पर तीनों का एक पॉइंट पे जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक कॉलम फॉर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाइन है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ तो ये आपकी इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इस जॉइंट पे आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए यहाँ पर। अगर लाइन थोड़ी भी डिस्प्लेस होती है, थोड़ा भी उस तरफ रह जाती है, इसे ज्वाइंट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, एक तो हमारा ज्वाइंट इस जंक्शन पे आ जाएगा और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हमारा इधर रह जाएगा। और जब इसे हम इंपोर्ट करेंगे स्टैट प्रो के अंदर तो यहाँ पर हमारा एक नोड क्रिएट कर देगा एंड इस पॉइंट पे भी हमारा एक नोड क्रिएट कर देगा, यानी कि यहाँ पर दो कॉलम आ जाएंगे। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करें तो उसको लाइन्स के थ्रू मैच कर दीजिए, ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसकी जब आप सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ कर लें तो उसे आप क्या करेंगे, कॉपी करके जितनी भी सेंटर लाइन है आपकी उनको एक अलग फाइल में आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंटर लाइन शो हो रही है। अब किसी भी अगर मैं एक लाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक जंक्शन यहाँ पे है एंड इसका एक जंक्शन यहाँ पे है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये जो बीम है ये बीम हमारी इधर आके मिलती है, लेकिन हमारा इधर जंक्शन है नहीं, तो यहाँ पर हमारा कॉलम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और अगर इस लाइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका भी एक जंक्शन यहाँ पे है, इसका भी एक जंक्शन यहाँ पे है, मतलब कि ना हमने इधर एक जंक्शन क्रिएट किया है ना ही इधर एक जंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन ये ड्रॉ हो रही है, तो सिंपली जब स्टैट प्रो में से आप इम्पोर्ट कर दोगे तो स्टैट हमारे से एज अ सेकेंडरी बीम कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। अब स्टैट प्रो में इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन प्लान को डीएक्सएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्लिक ऑन इट, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक विंडो ओपन हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे फाइल्स ऑफ टाइप, इस पर आप क्लिक कीजिए। अभी जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है ये हमारा डॉट डीडब्ल्यूजी है, इसको आप डॉट डीएक्सएफ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कैड 2018 डीएक्सएफ, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सेट सेंटर लाइन, तो वापस मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर दूंगा, आप सेव कर दीजिएगा। और जब आपकी डीएक्सएफ फाइल बन जाएगी उसके बाद आप अपना स्टैट प्रो ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना स्टैट प्रो ओपन कर लेता हूँ, क्लिक ऑन इट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइल इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है स्टैट प्रो के अंदर। सबसे पहला, जो हमें आर्किटेक्चर के थ्रू जो प्लान मिलता है वो हमारा इंच या फिर फीट में उधर काम किया गया होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, देन गो टू कॉन्फिगर ऑप्शन। यहाँ पर जो बेस यूनिट है आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश का मतलब होता है जो आप काम करने वाले हैं वो आप फीट में करेंगे या फिर इंचेस में करेंगे, ठीक है।
तो यहां पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन, देन न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, जो भी आपका फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे रख दीजिए, देन लेंथ यूनिट, जिस यूनिट में आप काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इंचेस में काम करेंगे, तो क्लिक ऑन इंचेस ऑप्शन, क्योंकि वहां पे भी हमने इंचेस में काम किया हुआ है, देन फोर्स की यूनिट हम यहाँ पे किलोन्यूटन लेके चलेंगे, ठीक है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, यस, देन क्लिक ऑन एड बीम ऑप्शन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पर हमारा स्टैट प्रो का वर्क स्पेस ओपन हो गया है। अब इसमें हमें फाइल इंपोर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट काम करना है, सबसे पहले आप जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा दैट इज इम्पोर्ट बटन, तो क्लिक ऑन इट। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपकी फाइल है उसका फॉर्मेट क्या है, तो हमारी जो फाइल का फॉर्मेट है दैट इज DXF, तो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये लोकेशन पूछेगा आपकी फाइल, जिस लोकेशन पे भी आप वहां पे जाइए उसे सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक और विंडो ओपन हो गई है, ये यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्रक्चर कन्वेंशन की, मतलब कि आप यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसको अप रखेंगे या फिर जो जेड एक्सिस है उसे अप रखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हमारे हाउस प्लान के अंदर भी जो वाई एक्सिस थी वो हमारी ऊपर की तरफ थी, तो यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ही रखेंगे, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद ये यूनिट्स पूछ रहा है, तो यूनिट्स हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटर लाइन प्लान है वो हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फाइल को हम किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लेबल एंड कलर ऑप्शन के बारे में, हम लेबल में क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं एंड कलर कॉम्बिनेशन हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आज ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लेबल ऑप्शन की, तो लेबल ऑप्शन के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हमारे वर्कस्पेस पे, राइट क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेट इज लेबल ऑप्शन, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि लेबल ऑप्शन का क्या मतलब होता है। सो लेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है नोड, अगर आपको अपने स्ट्रक्चर में नोड नंबर डिस्प्ले करने हैं या फिर नोड पॉइंट डिस्प्ले करना है, सपोर्ट्स डिस्प्ले करने हैं, डायमेंशंस डिस्प्ले करनी है, तो आप उन पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे वर्क स्पेस में जो स्ट्रक्चर में नोड नंबर्स हैं वो भी डिस्प्ले हों, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, ठीक है। और अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि नोड नंबर में डिस्प्ले ना हो, देन इसे वापस से अनटिक कर दूंगा, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, तो यहाँ से मेरे नोड नंबर हट गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा वर्क करता है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उस समय हमें काफी जगह ऐसा चाहिए होता है कि नोड नंबर की जरूरत पड़ती है, किसी एक पर्टिकुलर नोड पे हमें लोड कितना आ रहा है ये सब देखने के लिए वहां पर हमें यूजफुल रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे कुछ शॉर्टकट कीज हमें गिवन है, डेट इज NKSD, ये हमारी शॉर्टकट कीज है। ऐसा नहीं कि आप सीधा इसे N प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे नोड नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर क्विक एक्सेस टू द लेबल्स यूजिंग कीबोर्ड हॉट कीज प्रेस शिफ्ट प्लस द लेटर शोन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको नोड नंबर डिस्प्ले करने हैं तो आपको क्या दबाना होगा, शिफ्ट प्लस N, तो यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, क्लिक ऑन ओके, देन अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस N दबाता हूँ तो यहाँ पर मेरे क्या हुए, नोड नंबर्स डिस्प्ले हो गए, एंड अगर वापस से मैं शिफ्ट प्लस N दबाया तो नोड नंबर मेरे हट गए, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा लेबल की यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज भी आती है टूल बार के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंबल एंड लेबल्स की एक शॉर्ट की है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही सेम टेबल आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद इसमें हमारे कुछ नेक्स्ट पॉइंट और आते हैं, जैसे कि नोड पॉइंट हो गया, सपोर्ट्स हो गए, डायमेंशन हो गए। यहाँ पर मेरा सपोर्ट्स गिवन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट्स नहीं दिखें तो यहाँ पे मैं सीधे इसे अनटिक कर सकता हूँ, देन उसके अलावा जो डायमेंशन है वो चाहता हूँ कि मैं ये भी ना दिखें तो इसे भी मैं अनटिक कर देता हूँ, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे सपोर्ट्स एंड डायमेंशन क्या हो गए, अब डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, इसे वापस से अंडू कर देते हैं, देन उसके बाद सेम फॉर बीम, बीम नंबर अगर आपको डिस्प्ले करना है तो क्लिक ऑन बीम नंबर, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको बीम नंबर डिस्प्ले होने लग जाएंगे। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ बीम ओरिएंटेशन की, तो क्लिक ऑन बीम ओरिएंटेशन, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको बीम ओरिएंटेशन अप्लाई हो गया, यानी कि आपकी एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, जेड कहाँ पे है बीम का, ठीक है। एंड ये जो बीम ओरिएंटेशन जो आ रहा है, किसी मेंबर का जो ओरिएंटेशन आता है वो हमारी लोकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे स्टैट प्रो में आप नीचे देखेंगे तो ये हमारी ग्लोबल एक्सिस होती है, कहने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का अगर ओरिएंटेशन दिखा रहा है तो वो हमारी लोकल एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीम ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से वर्क करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट कलर एंड एंड कलर, इसका मतलब होता है कि जो बीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है एंड जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है। जैसे कि अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन,
एंड अगर इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है ये जो ग्रीन शो रहा है डेट इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जो ब्लू कलर से शो रहा है डेट इज एंड पॉइंट, एंड रेड वन इज द इंटरमीडिएट पॉइंट। तो अगर आप इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जैसे अगर आप प्लेट का ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं कि प्लेट ओरिएंटेशन, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको प्लेट का ओरिएंटेशन भी दिख जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया हमारे सिंबल्स का यूज किस तरीके से आता है। देन इसके बाद अगर इसमें मैं बात करूँ कलर्स की, कि अगर आपको जो डायमेंशन के कलर हैं वो आपको चेंज करने हैं या फिर सपोर्ट के कलर चेंज करने हैं तो वो आप कहाँ से करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसका भी आपको कलर या फिर फॉन्ट चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डायमेंशन पे जाता हूँ और मुझे अगर डायमेंशन का कलर चेंज करना है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो डायमेंशन हम ले रहे हैं वो हम ब्लैक कलर से ले रहे हैं और इसको मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो वो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन फॉन्ट ऑप्शन, यहाँ पर कलर दिख रहा है डेट इज ब्लैक, इसको मैं ले लेता हूँ ग्रीन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डायमेंशन के जो कलर है वो क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वर्क करता है, लेकिन मुझे ब्लैक ही ज्यादा पसंद है तो मैं ब्लैक यहाँ पे रखूंगा, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। इसके अलावा अगर यहाँ पे जैसे हमारे जो नोड नंबर होते हैं उनके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम नोड नंबर डिस्प्ले कर देते हैं, देन वापस से क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑप्शंस, देन यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन क्लिक ऑन नोड लेबल्स, तो आप यहाँ से जो नोड नंबर का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। गो टू फॉन्ट ऑप्शन, देन यहाँ पर क्लिक ऑन एनी कलर, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन। तो यहाँ पर आपके क्या हुए, ग्रीन कलर ये शो करने लग गया। ठीक है, जो नोड नंबर आपके डिस्प्ले हो रहे हैं वो ग्रीन कलर में हो रहे हैं। तो इस तरह से आप हर चीज का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी कलर कमांड एंड जो लेबल कमांड है वो वर्क करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम G+1 स्टोरी बिल्डिंग किस तरीके से डिजाइन करते हैं, एंड जो आज का वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस एंड डिजाइन करके बताऊंगा, और हम ये भी देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है वो हमारा किस तरीके से डिजाइन करता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है उसके पास क्या आता है, जो आर्किटेक्चर होता है उसके थ्रू एक प्लान आता है घर का। ठीक है, कोई भी हमें प्लान दे दिया जाएगा कि इस प्लान की अब आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके दीजिए। ठीक है, तो वो हम सब चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पर हमें एक प्लान दे रखा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पर वॉशरूम दे रखा है, ये यूटिलिटी है, यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, एक बेडरूम है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा एक प्लान दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि अगर हमें इस प्लान को इंपोर्ट करना है हमारे स्टेट प्रो के अंदर तो हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप इसमें एक बात याद रखना कि स्टेट प्रो के अंदर हम हमेशा सिर्फ सेंटर लाइन प्लान को ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपके क्या है, 9 इंची की दीवार दे रखी है, तो इस तरीके से आपका ये प्लान इस तरीके से इंसर्ट वहां पे नहीं होगा। आपको एक सेंटर लाइन प्लान बनाना होगा, तो वो आपका इंसर्ट होता है। और सेंटर लाइन प्लान हम किस तरह से बनाते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, जब हम स्टेट प्रो में किसी भी फाइल को हम इम्पोर्ट करते हैं तो वहां पर जो फॉर्मेट होता है वो आपको DXF फॉर्मेट में ही इम्पोर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप सेव करेंगे इस फाइल को तो ये हमारी DWG में सेव होती है, लेकिन जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो आप इसको DXF फाइल में कन्वर्ट करके ही इम्पोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी। एंड इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉलम की प्लेसिंग ऑलरेडी कर रखी है, ये स्ट्रक्चर डिजाइनर को खुद ही करनी पड़ती है। आर्किटेक्चर आपको सिर्फ एक प्लान बना के दे देगा, उसके हिसाब से आपको कॉलम की प्लेसिंग करनी होती है। ठीक है, और जब आप इसकी कॉलम की प्लेसिंग कर देंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी जो सेंटर लाइन्स हैं उनको आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और जो सेंटर लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे वो आपको इस तरीके से करनी है कि जैसे हमारी एक सेंटर लाइन ये आ रही है एंड एक सेंटर लाइन ये आ रही है, तो इसका जो एंड है वो आपस में एक दूसरे के मिलने चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट होने चाहिए। अगर आपका ज्वाइंट नहीं होगा तो जब हम इस सेंटर लाइन प्लान को स्टैड में इंपोर्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक नोड हमारा यहाँ पर बन जाएगा एंड एक नोड हमारा यहाँ पर बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हमारे दो कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लाइन्स है आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि ज्वाइंट होनी चाहिए। और जब आप इसकी सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटर लाइन्स को सबको कॉपी कर लेंगे एंड एक अलग टैब में से पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सेंटर लाइन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस लाइन पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा ये शो कर रहा है कि एक कॉलम मेरा यहाँ पर आ रहा है एंड एक कॉलम मेरा यहाँ पे आ रहा है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा कॉलम किस जगह पे हमने इंसर्ट किया है।
ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। जैसे कि अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई जंक्शन नहीं है, ठीक है। ये मेरी क्या एक सेकेंडरी बीम है, बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर क्या डल रही है। तो ये हमने देख लिया कि सेंटर लाइन प्लान को हम एक अलग टैब में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देन इसे हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप इस सेंटर लाइन प्लान को सेव करें तो वो आपको डीएक्सए फॉर्मेट में करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मेट है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, डॉट डीएक्सएफ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएक्सएफ फॉर्मेट दे रखा है, तो डीएक्सएफ फॉर्मेट में हम इसे चेंज कर देंगे। देन क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो इसे मैं वापस सेव नहीं करूंगा, तो आप यहाँ से इस तरीके से हम डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक हमारा काम होने के बाद अब हम स्टैट प्रो में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे स्टैट प्रो, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन। इससे पहले आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो आपको अब चेंज करनी होंगी, क्योंकि आपने जो वहाँ पे काम किया था, जो आपको हाउस प्लान मिला था, उसमें जो यूनिट्स ली गई थी वो या तो फीट में होंगी या फिर इंचेस में होंगी। तो यहाँ पर भी अब आपको फीट या फिर इंच में काम करना होगा। उसके लिए आप यहाँ से यूनिट्स चेंज करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन गो टू कॉन्फिगर ऑप्शन, देन यहाँ पर हम जो बेस यूनिट है इसे यहाँ पे हम मैट्रिक्स से हटा के इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश का मतलब होता है या तो आप फीट में लीजिए काम या फिर इंच में काम कीजिए आप। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। देन इसके बाद वापस से क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। फाइल नेम दैट इज G+1 स्टोरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ की यूनिट्स देखते हैं तो हम इंच में काम करें, फुट में काम करें, तो यहाँ पे हम इंच में काम करेंगे, तो क्लिक ऑन इंच ऑप्शन। जो यूनिट रहेगी वो हम किलो न्यूटन लेंगे, तो इसे किलो न्यूटन पे आप क्लिक कीजिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया, क्योंकि अब हमें स्नैपनॉट बी मेथड में काम नहीं करना है, तो इसे हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू बार के अंदर, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है डेट इज इम्पोर्ट, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर ही हमें पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में है। तो हमारी जो फाइल थी वो हमारी डीएक्सए फॉर्मेट में थी, तो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन। अब आपकी जो फाइल है वो आपकी किस लोकेशन पे है, आप वहां पे जाइए एंड उसे सेलेक्ट कीजिए। जब आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वापस से आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपकी जो एक्सिस है वो आपको ऊपर कौन सी रखनी है, वाई एक्सिस ऊपर रखनी है या फिर जेड एक्सिस आपने ऊपर की तरफ रखनी है। तो हम वाई एक्सिस ही ऊपर की तरफ रखेंगे, तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उस फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। यहाँ पर ये वापस से यूनिट पूछ रहा है, क्योंकि हम यूनिट ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो सेम यूनिट हम यहाँ पे रहने देंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी फाइल क्या होगी, इम्पोर्ट हो गई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फाइल इम्पोर्ट हो जाएगी। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखता हूँ, क्लिक ऑन टॉप व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम फाइल को किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है उसका काम स्टार्ट होता है कि यहाँ से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ही हमारा टॉप व्यू है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे G+1 स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले G+1 स्टोरी का हमें मॉडल बनाना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे नोड कर्सर पे, देन सेलेक्ट ऑल द नोड्स। अब जब यहाँ पे हम सभी नोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे डबल नोड्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डबल नोड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे दो जगह कॉलम हमारे फॉर्म हो जाएंगे। तो हमें इन दोनों नोड्स को मर्ज करके एक सिंगल नोड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एंड सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे इस तरफ भी दो नोड्स क्रिएट हो गए हैं, तो इनको हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अगेन सेलेक्ट नोड कर्सर, सेलेक्ट दीज टू नोड्स, देन गो टू ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। अब यहाँ पर ये पूछा है नोड टू कीप, कौन सा नोड आप रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें नोड नंबर पता होना चाहिए, तो कैंसिल इट, तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस एन कर देंगे जिससे कि नोड नंबर हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 9 नंबर नोड है एंड दिस वन इज 22 नंबर नोड। देन अगेन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, देन नोड टू कीप दैट इज 22, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे जो नोड्स हैं वो मर्ज हो गए, ठीक है। सेम हम ऊपर के लिए भी कर देंगे, गो टू पैन, इस थोड़ा नीचे की तरफ लाओ, देन गो टू नोड कर्सर, सेलेक्ट करो इन दोनों को, देन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, देन नोड टू कीप दैट इज नोड नंबर 18, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नोड्स को मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर G+1 स्टोरी फॉर्म करने के लिए हम अपने नोड सेलेक्ट कर लेंगे जहां जहां पर हमें कॉलम फॉर्म करना है,
तो उसके लिए हम अपने प्लान के अंदर देख लेते हैं। तीन कॉलम्स हमने इस पोजिशन पे दिए हैं, देन तीन इधर दिए हैं, तीन इधर एंड तीन इधर दिए हैं। तो इन नोट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तीन नोट्स हमारे इधर थे, देन तीन नोट्स हमारे ये थे, देन तीन नोट्स ये थे एंड एंड तीन नोट्स हमारे यहाँ थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट मेथड। अब इसमें सबसे पहले हम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो फुटिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम ग्राउंड लेवल से प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राउंड लेवल से कम मिनिमम जो फुटिंग डेप्थ लेंगे वो हमें लेके चलनी है, डेट इज 5 फीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, जी प्लस वन स्टोरी बना रहे हैं। एंड जी प्लस वन स्टोरी बनाने के लिए मिनिमम हम जो डेप्थ लेंगे फुटिंग की ग्राउंड लेवल से वो हम लेंगे 5 फीट, हम लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज वन, एंड जो डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है तो 5 फीट ले रहे हैं। अगर 5 फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 इंचेस। ठीक है, एंड यहाँ पर जो 60 है इसके आगे हम एक माइनस लगाएंगे बिकॉज हमें नीचे की तरफ लेना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ कंसिडर कर लेगा, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर बना देगा। अगर हमने सब स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें माइनस कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप बिकॉज नोट्स के नीचे वर्टिकल मेंबर्स फॉर्म करने हैं। देन ग्लोबल डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। इसमें जो ग्लोबल डायरेक्शन हम रख रहे हैं डेट इज वाई एक्सिस, तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आपके यहाँ पर नीचे की तरफ मेंबर्स फॉर्म हो गए। अगर इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे नीचे की तरफ फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, देन अगेन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, देन इन वाई डायरेक्शन। अब हमें इसमें जी प्लस वन स्टोरी बनानी है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज टू, एंड जो एक फ्लोर की हाइट है वो हम रख रहे हैं डेट इज 10 फीट। और 10 फीट को अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डेट इज 120 इंचेस। देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप बिकॉज कॉलम फॉर्म करने हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें हमारे मेंबर्स फॉर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं हर 10 फीट पे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, देन गो टू बीम कर्सर, सेलेक्ट ऑल द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट इन ग्लोबल डायरेक्शन डेट इज वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज टू, एंड जो हम स्पेसिंग लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव 120 इंचेस, यानी कि 10 फीट। देन डोंट क्लिक ऑन लिंक स्टेप। अगर आप यहाँ पर लिंक स्टेप पे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे नोट्स हैं, हमारे जितने भी नोट्स हैं उन सब पे वर्टिकल मेंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। बट हमने हर नोट पे वर्टिकल मेंबर फॉर्म नहीं कराने हैं बिकॉज कॉल हमारे कुछ नोट्स भी आ रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इंडिविजुअली हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी फॉर्म हो गए। अगर इसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। देन क्लिक ऑन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि साइड में हमारा एक नोड और हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो नोड है ये हमारा तभी आ गया था जब हमने हाउस प्लान को हमने इम्पोर्ट किया था स्टैट के अंदर। तो उस समय हमें ये चीजें ध्यान देनी होती हैं कि हम नोड्स उतने ही बनाएं जितने हमें इम्पोर्ट करने हैं। बट क्योंकि यहाँ पे अब आ गया है तो इससे हम क्या करते हैं, गो टू नोड कर्सर, सेलेक्ट द नोड, देन डिलीट द नोड। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मॉडल फॉर्म करते हैं। अब मॉडल फॉर्म करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है डेट इज एनालिसिस। एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल ऑप्शन में, देन गो टू प्रॉपर्टी ऑप्शन। राइट साइड में प्रॉपर्टी की आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे वर्टिकल मेंबर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स यानी कि जो बीम एंड कॉलम है, इनकी हम साइज डिफाइन करेंगे। उसके लिए गो टू डिफाइन ऑप्शन। अब यहाँ पर हम जो बीम एंड जो कॉलम है उसे हम रेक्टेंगुलर शेप कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो साइज देनी पड़ेगी वो हमें इंचेस में देनी पड़ेगी। ठीक है, हम इंचेस में भी साइज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर हमने जो यूनिट्स हैं वो चेंज करनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए क्लोज दिस टैब, देन गो टू टूल बार। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनपुट यूनिट्स का, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारी यूनिट्स हैं वो यहाँ पे इंच हमने कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे मीटर में लेता हूँ तो क्लिक ऑन मीटर ऑप्शन, एंड यहाँ पर किलो न्यूटन तो हमारा है ही है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन वापस से अगर मैं डिफाइन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी यूनिट्स हैं वो हमारी चेंज हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो मैं बीम एंड जो कॉलम डाल रहा हूँ वो मैं सेम साइज के डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो बीम की साइज है डेट इज 300 mm, एंड जो इसकी विड्थ है इज ऑल्सो 300 mm। देन जो मटेरियल वो हमारा कंक्रीट है, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। तो राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी एड हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कॉलम की साइज है वो भी मैं यहाँ पर सेम ले रहा हूँ,
तो ये मुझे वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये साइज मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ से क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब इस साइज को हमारे मॉडल पर असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। ठीक है, असाइन टू व्यू से क्या होता है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पर ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो मेंबर्स हैं, जो वर्टिकल एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, उन पे हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इसमें स्लैब की थिकनेस असाइन करेंगे। स्लैब की थिकनेस असाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्लैब फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए क्लिक ऑन फ्रंट व्यू ऑप्शन, देन गो टू बीम कर्सर, देन सिलेक्ट ऑल द मेंबर्स जहां पर हमने स्लैब असाइन करनी है। ठीक है, जहां पे भी हमने स्लैब क्रिएट करनी है उन सब मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन गो टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं जहां पर हमने स्लैब क्रिएट करनी है उन सब मेंबर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है। देन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन क्रिएट इन फिल प्लेट्स, क्लिक ऑन इट, तो 15 न्यू प्लेट्स आर क्रिएटेड, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर इसे यहाँ पे मैं रेंडरिंग व्यू में देखता हूँ तो क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं एंड जो बीम एंड कॉलम है वो सब हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसे यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। देन अब इसमें हम प्लेट की थिकनेस असाइन करेंगे। उसके लिए क्लिक ऑन थिकनेस ऑप्शन। अब यहाँ पर जो प्लेट की थिकनेस ले रहे हैं वो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो 150 mm की हमारी थिकनेस है प्लेट की। ठीक है, देन मटेरियल डेट इज कंक्रीट, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। इसके बाद प्लेट मॉडल में असाइन करने के लिए सिलेक्ट द प्लेट, देन गो टू असाइन टू व्यू, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे मॉडल में जितनी भी प्लेट्स हैं हमारी उन सब पे ये वैल्यूज असाइन हो गई हैं। तो इसे हम रेंडर व्यू के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जो प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी साइज डिफाइन करते हैं। अब जब साइज एक बार डिफाइन होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डेट इज सपोर्ट्स। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी ऑप्शन है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डेट इज सपोर्ट, क्लिक ऑन इट, तो राइट साइड में एक विंडो वापस से ओपन होगी बिकॉज हमारे नीचे की तरफ ही सपोर्ट लग रहे हैं और यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे सपोर्ट है वो हमारे फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, देन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा फिक्स सपोर्ट ऐड हो गया है। अब फिक्स सपोर्ट को असाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे वो नोड्स हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करना है। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल द नोड्स जहाँ पर हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करना है, देन क्लिक ऑन फिक्स सपोर्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले फिक्स सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, देन सिलेक्ट द नोड्स, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो हमारे असाइन हो चुके हैं। सो इसमें हमने प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, सपोर्ट्स असाइन कर दिए। जो हमारी थर्ड स्टेप आती है डेट इज लोड एंड डेफिनेशन। तो अब हम लोड असाइन करेंगे इस पे। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर। सो राइट साइड में हमारी एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि लोड एंड डेफिनेशन असाइन करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, जैसे कि हमारे मल्टीपल स्ट्रक्चर तो नहीं बने हुए हैं, कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं बने हुए हैं, या फिर ऑर्फन नोड्स तो नहीं आए हुए हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ऑर्फन नोड आया हुआ था, मतलब एक एक्स्ट्रा नोड हमारा इंपोर्ट हो गया था। ठीक है, तो वो हमने वहां से मैनुअली डिलीट कर दिया था, बट हम यहाँ पे आके भी इसे डिलीट कर सकते थे। वो किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स में आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, डेट इज चेक डुप्लीकेट्स, कि हमारे कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं है। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट नोट्स देख लेते हैं। एंड टॉलरेंस 0 रखते हैं हम, 0 इंच, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। नो डुप्लीकेट नोट्स फाउंड, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन अगेन गो टू टूल्स, चेक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मेंबर्स, नो डुप्लीकेट मेंबर्स फाउंड, ओके। देन अगेन गो टू प्लेट्स, नो डुप्लीकेट प्लेट्स फाउंड। देन अगेन टूल्स, क्लिक ऑन ऑर्फन नोड, देन क्लिक ऑन रिमूव ऑप्शन। तो नो ऑर्फन नोड फाउंड, यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर में नोड है इसके अलावा कहीं और नोड नहीं है। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे, देन गो टू बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, क्लिक ऑन मिसिंग प्रॉपर्टी। तो हमने सभी जगह पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो असाइन कर दिए हैं, तो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन अगेन गो टू सिलेक्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन मिसिंग एट्रीब्यूट्स, देन क्लिक ऑन मिसिंग डेंसिटी, नो एंटिटी विद मिसिंग डेंसिटी इज फाउंड, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो ये कुछ चीजें जो हमें चेक करनी होती हैं। इसके बाद हम वापस से अपने लोड एंड डेफिनेशन पे आते हैं।
यहाँ पर लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। यहाँ पर एक टेबल फॉर्म हो गई है, इसमें सबसे पहले हम जो लोड अप्लाई करेंगे डेट इज डेड लोड, जो कि हमारा होता है सेल्फ वेट, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं हम, तो टाइटल हम देंगे सेल्फ वेट, और जो सेल्फ वेट है ये हमारा एक डेड लोड होता है, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, तो यहाँ पे सेल्फ वेट हमारा एड हो गया है। देन इसके बाद यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें हमारा एक और लोड लग रहा है, डेट इज वॉल लोड, ठीक है, और जो वॉल लोड होता है वो भी हमारा डेड लोड ही होता है, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन इसके बाद थर्ड लोड हम मान लेते हैं, डेट इज फ्लोर लोड, फ्लोर लोड, एंड जो फ्लोर लोड है वो भी हमारा डेड लोड होता है, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। इसके बाद जो हम फोर्थ लोड लेंगे डेट इज लाइव लोड, एंड लाइव लोड जो होता है उसकी अगर लोडिंग टाइप की बात करें तो हमारा लाइव लोड होता है, देन क्लिक ऑन लाइव ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ लोड जो हैं वो ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो लोड है वो ऐड तो कर लिया, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, ठीक है, वो असाइन करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि सेल्फ वेट की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो क्लिक ऑन सेल्फ वेट, देन अगेन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी एक और विंडो ओपन होगी सेल्फ वेट का मैग्नीट्यूड असाइन करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे सेल्फ वेट पे, क्लिक ऑन सेल्फ वेट लोड। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि आपका जो सेल्फ वेट लग रहा है वो आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा लोड लगता है वो हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर लगता है, एंड वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फैक्टर लेके चलते हैं स्टैट प्रो के अंदर, वो हम -1 ही लेते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोड लगाओ तो उससे पहले आपको माइनस कंसिडर करना है, तो क्लिक ऑन माइनस देन 1 देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ वेट क्रिएट हो गया है, और सेल्फ वेट के आगे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अभी हमारा ये मॉडल पर असाइन नहीं हुआ है, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो सबसे पहले सेल्फ वेट को असाइन कर देते हैं, सो क्लिक ऑन सेल्फ वेट, सेल्फ वेट जो है वो हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे आता है, देन क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो सेल्फ वेट हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क था वो भी हमारा यहाँ से हट चुका है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डेट इज वॉल लोड। तो वॉल लोड के लिए हम सबसे पहले क्लिक ऑन एड ऑप्शन। जो वॉल लोड होता है ये हमारा मेंबर पे लगता है, तो क्लिक ऑन मेंबर लोड, एंड जो वॉल लोड होता है वो हमारा यूडीएल के फॉर्म में लगता है, तो क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स। यहाँ पे हम जो इंटेंसिटी है वॉल लोड की वो हम मान लेते हैं डेट इज -5 kN/m, ठीक है, एंड डायरेक्शन डेट इज GY, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब वॉल लोड असाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वॉल लोड के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारा इंटेंसिटी का दे रखा है। देन इसके बाद हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे कि किस किस मेंबर पे हमारा वॉल लोड आ रहा है, तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जितने भी वॉल्स हैं उन सब पर हमारा सेम लोड आ रहा है, ठीक है। देन गो टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि जो वॉल लोड है वो हमारे सभी वॉल्स पे असाइन हो गया है, ठीक है। तो वॉल लोड हम कुछ इस तरीके से असाइन करते हैं। देन इसके बाद जो थर्ड लोड आता है डेट इज फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड असाइन करने के लिए क्लिक ऑन फ्लोर लोड, देन गो टू एड ऑप्शन। अब यहाँ पर फ्लोर लोड ऐड करने के लिए गो टू फ्लोर लोड ऑप्शन। यहाँ पर हमारा जो फ्लोर लोड लग रहा है वो हमारा लग रहा है -3 kN/m² डायरेक्शन डेट इज वाई डायरेक्शन। एंड इसके बाद हम बात करें वाई रेंज की, तो इसके लिए हमें वाई रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पर हमें मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्लिक ऑन डिस्प्ले नो टू नो डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो ये हमें दे रखी है डेट इज 7.620 मीटर। तो मिनिमम हम 0 मीटर ले लेते हैं, एंड जो मैक्सिमम जो रेंज ले रहे हैं डेट इज 7.620 मीटर। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लोर लोड है वो हमारा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और अब इसे थोड़ा अच्छे तरीके से देखने के लिए हम किसी एक सेक्शन को कट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमारा जो फ्लोर लोड लग रहा है वो हमें दिख जाएगा। उसके लिए गो टू कट सेक्शन व्यू, क्लिक ऑन सेलेक्ट टू व्यू, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन यहाँ पे ये सेक्शन हम कट कर लेंगे, और इसे अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, नो टू नो डिस्प्ले डिस्टेंस हम ऑफ कर देंगे, एंड देन फ्लो लोड अब हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लोड है वो हमारा कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है फ्लो लोड। देन अगेन गो टू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लोड आ रहा है डेट इज लाइव लोड, तो क्लिक ऑन लाइव लोड, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन।
देन जो लाइव लोड हम जो अप्लाई करते हैं वो भी हम फ्लो लोड से ही अप्लाई करते हैं। सो क्लिक ऑन फ्लो लोड। लाइव लोड हम मान के चल रहे हैं हमारा लग रहा है डेट इज -3 kN/m² इन वाई डायरेक्शन, एंड जो रेंज है वो भी हमारी सेम है, डेट इज 7.620। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। यहां पर एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो फ्लो लोड होता है एंड जो लाइव लोड होता है उसको जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको इंडिविजुअली असाइन करने की इसमें जरूरत नहीं होती है, ये आपका ऑलरेडी असाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो जब आपने इसे ऐड किया वैल्यूज को, ठीक है। तो लाइव लोड पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकेंगे कि जो लाइव लोड है ये भी हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सभी लोड्स को अप्लाई करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे लोड केस डिटेल में, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में, देन सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डेट इज इंडियन कोड, देन गो टू सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कैटेगरी डेट इज जनरल स्ट्रक्चर, देन क्लिक ऑन जनरेट लोड, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे जो लोड कॉम्बिनेशन है वो हमारे ऑटोमेटिकली असाइन हो गए हैं, ठीक है, क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में जाएंगे एनालिसिस एंड प्रिंट के ऊपर, क्लिक ऑन इट, देन यहाँ पर नो प्रिंट, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। देन इसके बाद जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन कमांड ऑप्शन, गो टू पोस्ट एनालिसिस प्रिंट, क्लिक ऑन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन अगेन गो टू कमांड ऑप्शन, गो टू पोस्ट एनालिसिस प्रिंट, देन क्लिक ऑन सपोर्ट रिएक्शंस, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एनालाइज बटन, देन क्लिक ऑन रन एनालिसिस, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, देन क्लिक ऑन सेव, देन क्लिक ऑन व्यू आउटपुट फाइल, देन क्लिक ऑन डन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी आउटपुट फाइल है, तो ये हमारी आउटपुट फाइल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे किस पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोड कितना लग रहा है, रोटेशन कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा वो, ठीक है। देन इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और जो रिजल्ट हैं उनको ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए हम जाएंगे क्लिक ऑन पोस्ट प्रोसेसिंग, जो हमारा मोड बार है, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, अगर इसे आप थोड़ा जूम करते हैं तो आप यहाँ से डिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बीम यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जो भी मेंबर्स हमारे किस तरह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे आपको जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है यहाँ से वो शो हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो सेल वेट के कारण हमें कितना रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है, ठीक है, जो भी अपनी वैल्यूज है वो सब यहाँ पे दे रखी है। उसके नीचे वाले टैब पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सेल वेट की वजह से, वॉल लोड की वजह से, फ्लोर लोड की वजह से, ठीक है, वो सब यहाँ पे दे रखी है। और पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि जो ये अभी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये आपको लाइव लोड की वजह से दिख रहा है, अगर आप सेल वेट की वजह से देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। एंड अगर किसी और लोड के कारण देखना चाहते हैं जैसे कि फ्लोर लोड, जैसे कि फ्लोर लोड के कारण देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फ्लोर लोड, तो आपको फ्लोर लोड के कारण कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है। देन क्लिक ऑन बीम ऑप्शन, तो यहाँ से आपके बीम पे जितनी भी स्ट्रेसेस आ रही हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना लग रहा है, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, मोमेंट कितना आ रहा है एक्स वाई जेड एक्शन में, ठीक है, सेल वेट के कारण, वॉल लोड के कारण, ये मेंबर्स के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके बीम्स हैं उनके ऊपर। देन नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है बीम के कारण, बीम के ऊपर, ठीक है, वो सब आपको यहाँ से दिखा रहा है। अगर आपको स्ट्रेसेस देखनी है क्लिक ऑन स्ट्रेसेस ऑप्शन, एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर पर स्ट्रेस देखनी है तो किसी भी मेंबर पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपको स्ट्रेसेस शो जाएंगे, जैसे डिस्प्ले लेजेंड कर दीजिए एंड डिस्प्ले कॉर्नर स्ट्रेस, डिस्टेंस अगर आप थोड़ा भी इसमें बढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रेसेस दिख जाएंगे हमारे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफ्स देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन ग्राफ ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बीम के लिए ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आपका सैग हो रहा है, कहाँ पे हॉग हो रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो ये तो पार्ट था हमारा एनालिसिस का कि हम एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे क्लिक ऑन मॉडलिंग ऑप्शन, देन अगेन गो टू डिजाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन कंक्रीट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आप कंक्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो जो कंक्रीट का जो कोड है वो हमारा IS 456 है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि डिजाइन करने से पहले आपको जो यूनिट्स हैं वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यूज पुट करेंगे वो आप न्यूटन पर mm² में करने वाले हैं मोस्टली, तो उसके लिए टूल बार में हम इनपुट यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम यूनिट चेंज कर देंगे, इसे हम कर देंगे mm एंड इसे हम कर देंगे डेट इज न्यूटन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद हम जाएंगे डिफाइन पैरामीटर्स पे, देन इसके बाद इसमें सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे डेट इज क्लियर कवर, बीम के लिए जो क्लियर कवर इसमें हम प्रोवाइड करेंगे डेट इज 25 mm, इसे हम यहाँ से ऐड कर देंगे, एंड जो कॉलम के लिए क्लियर कवर दे रहे हैं डेट इज 40 mm, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन।
इसके बाद जाएंगे हम FY मेन के अंदर, यानी कि जो यील्ड स्ट्रेस ले रहे हैं हम, ये हम ले रहे हैं 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन जो सेकेंडरी रीइन्फोर्समेंट है उसके लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। इसके बाद जो मैक्सिमम मेन रीइन्फोर्समेंट का जो डाया है वो हम ले रहे हैं दैट इज 25 mm, एंड जो मैक्सिमम सेकेंडरी रीइन्फोर्समेंट का डाया है उसे भी हम 20 mm मान लेते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो मिनिमम मेन रीइन्फोर्समेंट का जो डाया है वो हम ले रहे हैं दैट इज 12 mm, एंड जो सेकेंडरी रीइन्फोर्समेंट है इज ऑल्सो 12 mm। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं उसको हम देख लेते हैं, जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने भी डिफाइन किए हैं। अब इनको हम असाइन कर देते हैं हमारे मॉडल पे। तो सबसे पहले क्लियर कवर 25 mm, ये हमने असाइन किया हमारे मेंबर्स के लिए, जो हमारी बीम्स हैं उनके लिए। सो गो टू फ्रंट व्यू, सभी बीम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्लियर कवर। क्लियर कवर के लिए हम सभी हमारे जो कॉलम्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हैं सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाइड एक्शन, देन क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक व्यू, तो आप देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज FY मेन, जो हम 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले रहे हैं मेन बार्स के लिए। तो ये हम पूरे स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, तो असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन सेकेंडरी इन्फोर्समेंट भी हम पूरे स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन यस ऑप्शन। देन सेम तो इस तरह से आप ये सभी वैल्यूज आप अपने स्ट्रक्चर पे असाइन कर देंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे कमांड के ऊपर, क्लिक ऑन कमांड ऑप्शन। यहां पर हमने क्या क्या डिजाइन करना है उस पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन बीम करेंगे, क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन कॉलम भी हम डिजाइन करेंगे, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन स्लैब भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन टेक ऑफ भी हम देखेंगे कि कितना क्वांटिटी हमारी आ रही है, जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो हमारा कितना आ रहा है, वेट ऑफ स्टील कितना आ रहा है। सो क्लिक ऑन एड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पे इनको भी हम असाइन कर देते हैं। सबसे पहले बीम डिजाइन के लिए हमारी जो बीम्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल द बीम्स, क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक यस। देन कॉलम डिजाइन करेंगे, तो क्लिक ऑन कॉलम डिजाइन। देन गो टू सिलेक्ट ऑप्शन, बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन डिजाइन एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यहाँ पे प्लेट्स आपकी जितनी भी हैं। सो प्लेट सेलेक्ट करने के लिए हम प्लेट कर्सर यूज में लेंगे, क्लिक ऑन प्लेट कर्सर। देन सेलेक्ट ऑल द प्लेट्स, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। इस तरीके से हम यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज डिजाइन के केस में असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने स्ट्रक्चर को रन कर देंगे, उसके लिए क्लिक ऑन एनालाइज ऑप्शन इन मेन्यू बार, क्लिक ऑन रन एनालिसिस, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को एनालिसिस भी कर दिया एंड इसका डिजाइन भी कर दिया। तो क्लिक ऑन व्यू आउटपुट फाइल, क्लिक ऑन डन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिजाइन हो चुका है। और अगर इसकी आउटपुट फाइल में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जो रिजल्ट्स के अंदर कंकी डिजाइन के अंदर, तो कंकी डिजाइन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर 4 की बात करूं, तो इसके लिए जो डिजाइन रिजल्ट्स हमारे निकल के आए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है इसकी इतनी है, साइज क्या है इस बीम का, कवर कितना दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप रीइन्फोर्समेंट डल रही है कितने डिस्टेंस पे, वो कितना डल रहा है, ठीक है। हर डिस्टेंस के हिसाब से हमें टॉप रीइन्फोर्समेंट आ गया है, बॉटम रीइन्फोर्समेंट कितनी डल रही है। तो यहाँ पे आपकी वो सब चीजें निकल के आ गई हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे शेयर रीइन्फोर्समेंट भी डल रही है, कितनी डल रही है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आउटपुट फाइल से अगर अपने रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, और पर्टिकुलरली आप किसी भी मेंबर का यहाँ से अगर देखना चाहते हैं, तो आप किसी मेंबर पर जाइए और डबल क्लिक यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका डिजाइन शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इस मेंबर की जो साइज है वो हमें दे रखी है, इसकी विड्थ है यहाँ पे, डेप्थ है, एंड इसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी,
अगर लोडिंग देखेंगे कौन कौन सी लोडिंग आ रही है उसकी, वो दिख जाएगा। देन शियर बेंडिंग का डायग्राम दिख जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, और अगर इसकी कंक्रीट डिजाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ से कंक्रीट डिजाइन भी दिख जाएगी कि आपका यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट डल रहा है वो हमारा किस तरीके से डलेगा, ठीक है, कितने की स्ट्रप्स देनी है, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं आप। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं G+1 स्टोरी बिल्डिंग, और अगर इसमें अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।